हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस की प्री के लिए आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, हम करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज सारे लेक्चर कवर कराएंगे, जिसमें आज हमारा लास्ट एक वन ईयर के हम इंडेक्सेस और इंडाइसेस और रिपोर्ट्स पर लेक्चर कवर करेंगे। ये लेक्चर हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट वन है, जिसमें हम जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम टॉपिक वाइज सारी करंट अफेयर्स पिछले एक साल की कवर करेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा, पॉलिटी से रिलेटेड, हालांकि पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक साल का हम पहले ही कवर करा चुके हैं। इसी तरह सोशल सेक्टर स्कीम्स का एक साल का कवर हम करा चुके हैं। सोशल सेक्टर स्कीम्स को हम भी एक साल की पिछली कवर करा चुके हैं स्कीम्स। इसके अलावा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी हम चैप्टर जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है वो कवर करा चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए हम जो बचे हुए लेक्चर्स हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन तीन के लेक्चर्स हम कवर कराएंगे और आपको इसी मंथ 30 सितंबर से पहले पहले हम सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे। तो ये हमारा इंडाइसेस और रिपोर्ट्स पर आज का लेक्चर रहेगा। ये पार्ट वन है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम पूरा एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट सारी ही इंडेक्सेस को कवर किया है। तो पहली न्यूज़ है हमारी डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये आरबीआई ने देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण को की सीमा को बढ़ाने के लिए आधार अवधि के रूप में 2018 में समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक का निर्माण किया है। देखिए, जितने भी सूचकांक होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस, तो उसमें आपको मेनली तीन चार पॉइंट्स याद रखने होते हैं। एक, उसमें भारत की रैंक क्या है, क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा है, किसके द्वारा, किस संस्था द्वारा वो जारी किया जाता है इंडेक्स, और स्पेशली उसके पैरामीटर्स क्या हैं। और अगर जैसे तीन या चार पैरामीटर्स हैं और उनके भी सब पैरामीटर्स हैं, तो सब पैरामीटर्स को आपको पता होना कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। जो मेन पैरामीटर्स होते हैं चार या पांच, वही आपको याद होने चाहिए। अब इसमें पांच व्यापक मानदंड शामिल हैं, जैसे कि आपको बताइए, हमें पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विभिन्न समय अवधियों में डिजिटल भुगतान की गहराई और उसका जो दायरा है उसके बारे में, ये उस दायरे के बारे में, कवरेज के बारे में ये सूचकांक बताता है। तो ये पैरामीटर किन पांच इंडिकेटर्स पर आधारित है, ये पांच इंडिकेटर्स हैं हमारे भुगतान सक्षमकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार, भुगतान सक्षमकर्ता यानी कि पेमेंट इनेबलर्स, इसका 25% वेटेज है, भारांक है। दूसरा है भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, इसका 10% वेटेज है। भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, इसका 15% वेटेज है। भुगतान प्रदर्शन पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका 45% वेटेज है। और उपभोक्ता केंद्रित कंज्यूमर कंसेंट्रिसिटी, इसका 5% वेटेज है। तो ये पांच मेनली पैरामीटर्स हैं और इनके वेटेज भी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये। इसका महत्व क्या है, ये भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसके प्रसार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और डिजिटल जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए ये इस दिशा में काम करता है, यानी कि फाइनेंशियल और डिजिटल इंक्लूजन की दिशा में ये पैरामीटर्स काम करता है। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसके पांच पैरामीटर्स हैं, पांचों पैरामीटर्स के आपको नाम याद होने चाहिए, यही इसमें दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपका खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा। 2020 में औसतन 107.5 अंक रहा इसका। अब ये क्या है, ये 1996 में वैश्विक कृषि जिन्स बाजारों में विकास की निगरानी में मदद करने के लिए सार्वजनिक वस्तु के रूप में पेश किया गया था, यानी कि ये 1996 में स्टार्ट हुआ था। एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तु की जो बास्केट होती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक टूल है। ये क्या करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है कि जो पूरी बास्केट होती है, ये पुल बनाकर जिसमें उसमें जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, उन फूड आइटम्स में मंथली जो उसके प्राइस में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को ये कवर करता है या नापता है। अब इसकी बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर है 2014-16। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी आज शाम तक, तो आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। खाद अब देख लेते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी का आपको पैटर्न पता ही है कि अगर किसी इंडेक्स के बारे में पूछती है तो उसको जारी करने वाली संस्था के बारे में भी वो स्टेटिक क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज स्टेटिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेती है। तो खाद और कृषि संगठन ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में। स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसके कार्य करता है।
अगला है हमारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अभी हाल ही में जो कुछ एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से हैनले पासपोर्ट इंडेक्स से पूछा जा चुका है ईपीएफओ के एग्जाम में, ईपीएफओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स उन गंतव्यों के संख्या के अनुसार दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे 2006 में हैनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंधक सूचकांक के रूप में शुरू किया गया और जनवरी 2018 में संशोधित करके इसका नाम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया गया है। अब इसके आउटकम क्या क्या है, जापान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए जापान इसमें पहले स्थान पर है और दुनिया भर में 191 गंतव्यों को वीजा मुक्त करने में सक्षम है। यानी कि इस पासपोर्ट को जो जारी किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट, किस कंट्री का पासपोर्ट के द्वारा कितने देशों की वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। यानी कि अगर आप भारत से ईरान जाना चाहें तो ईरान जाने के लिए आपको एम्बेसी से वीजा ना लेना पड़े, डायरेक्ट आप ईरान का टिकट कराएं, अपना प्लेन का बाय एयर टिकट करा के ईरान के एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही आप हैंड टू हैंड वहां पर आपको वीजा इशू कर दी जाए। तो इस तरह से कितनी कंट्रीज में इंडिया के द्वारा जाया जा सकता है तो उस आधार पर इसका रैंकिंग की जाती है। तो इसमें माना जाता है कि जिस देश के पासपोर्ट से जितने ज़्यादा देशों की वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है, यानी कि बिना वीज़ा लिए फ्री वीज़ा अप्रूवल लिए अगर किसी ज़्यादा से ज़्यादा देशों की यात्रा की जा सकती है तो इसका मतलब ये है कि वो देश इस इंडेक्स में उतना ही ज़्यादा ऊँचे स्थान पर होगा। तो इसमें जापान, यानी कि जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से आप बिना वीजा के सबसे ज्यादा देशों में, यानी कि दुनिया के 191 देशों में बिना वीजा लिए, बिना प्री वीजा अप्रूवल लिए उस देश की दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं जापान के पासपोर्ट से। तो भारत 58 देशों के वीजा मुक्त स्कोर के साथ 85वें स्थान पर है। यानी कि आप भारत से 58 देश ऐसे हैं जो आपको वीजा फ्री अराइवल देते हैं और वहां के आप एयरपोर्ट पर जाकर वीजा अप्रूवल वहां जाकर ले सकते हैं। यानी कि आपको प्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इंडियन एम्बेसी से जाकर लेने की जरूरत नहीं है, या अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी से, जैसे कि आप अगर मान लीजिए ईरान जाना चाह रहे हैं तो आपको ईरान की एम्बेसी से पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ईरान का टिकट लेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट में आपको ईरान की वीजा वहीं पर हैंड टू हैंड इशू कर दी जाएगी। तो इस तरह से 58 ऐसे मुल्क हैं जो वीजा फ्री अराइवल देते हैं। अब पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंक 107 है, नेपाल 104, ये सबसे खराब पासपोर्ट टू होल्ड यानी कि वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड की श्रेणी में आते हैं। पाकिस्तान के पास 32 देशों का वीजा मुक्त स्कोर है और नेपाल में 38 गंतव्यों का स्कोर, यानी कि नेपाल के पासपोर्ट से 38 देशों की यात्रा की जा सकती है बिना वीजा के और पाकिस्तान के पासपोर्ट से केवल 32 देशों की। तो सबसे खराब पासपोर्ट में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के क्रमशः 29, 28 और 26 के पासपोर्ट स्कोर के साथ सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं। अगली है हमारे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020, ये नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कौन कौन से संस्थान शामिल हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान यानी कि कम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्पिटिटिवनेस और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग। डायरेक्ट आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, बहुत से बच्चों को फुल फॉर्म भी नहीं पता होती है ईपीएफओ में, इस बार इसकी नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और नीति आयोग की फुल फॉर्म जब ये बना था 2015 में जब ये बनाया गया था तो 2015 के ही प्री एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म 2015 के प्री एग्जाम में ही पूछ ली गई थी यूपीएससी प्री में। तो इसको इन दो संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, यानी कि इनोवेशन में कर्नाटक का पहला स्थान है। सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ये अक्टूबर 2019 में पहली बार लॉन्च किया गया था, उसके बाद हर साल ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर नवाचार की स्थिति को ट्रैक करने के लिए प्रभावी उपकरण प्रदान करना है। यानी कि ये इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये इंडेक्स राज्यों को और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों पर इनोवेशन की स्थिति देखता है, यानी कि नवाचार की स्थिति का आकलन करता है और राज्यों को रैंक प्रदान करता है उनकी नवाचार फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब इसमें इसका उद्देश्य, जैसे हमने आपको बताया, सूचकांक निम्नलिखित तीन कार्यों को पूरा करने का इरादा रखता है। पहला, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके सूचकांक स्कोर के आधार पर रैंक करना। दूसरा, राज्यों के नवाचार संबंधी अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को संशोधित करने में सहायता करना। इसके पैरामीटर्स क्या है, सूचकांक में दो पैरामीटर्स हैं, इनेबलर्स, ये इनेबलर के माध्यम से नवाचार इनपुट की गणना की जाती है, यानी कि इनोवेशन
इनपुट की गणना की जाती है, और दूसरा है प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से ही आप समझ सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस हम किसी की देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यानी कि किसी कार्य के संदर्भ में अगर हम किसी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इसका मतलब उस कार्य के संदर्भ में हम उस व्यक्ति का आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट कैसा है। तो यही परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बताता है, ये नवाचार आउटपुट को बताता है, इनोवेशन आउटपुट को बताता है, और इनेबलर्स क्या बताता है, ये इनोवेशन के इनपुट को बताता है। तो ये दो आधार पर बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये, क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा इशू किया जाता है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इनेबलर्स क्या करते हैं, सक्षम करता है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था के तत्वों को, पांच सक्षम इसमें स्तंभ है, ये नवाचार पर्यावरण के लिए इनपुट के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जो इनोवेशन एनवायरमेंट प्रदान किया जाता है उसका इनपुट क्या होगा, उसमें उसके रूप में कार्य करते हैं। इसमें पांच इसके पैरामीटर्स हैं, मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, ज्ञान कार्यकर्ता नॉलेज एक्टिविटीज, व्यावसायिक वातावरण प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, सुरक्षा और कानूनी वातावरण यानी कि सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट प्रदान करना। अब प्रदर्शन में क्या है, परफॉर्मेंस में, इसमें दो पैरामीटर्स हैं, ज्ञान उत्पादन यानी कि नॉलेज आउटपुट और ज्ञान प्रसार नॉलेज डिफ्यूजन, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। देखिए इसमें पैरामीटर्स जो हैं नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो हम चर्चा कर रहे हैं नवाचार सूचकांक की, इसमें दो पैरामीटर्स हैं मेनली, एक तो है इनेबलर्स। इनेबलर्स क्या करता है, ये इनोवेशन इनपुट को देखता है, इनोवेशन इनपुट, और दूसरा क्या है आपका प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर, परफॉर्मेंस क्या ये क्या करता है, ये इनोवेशन का आउटपुट देखता है। अब इनोवेशन इनपुट में भी पांच इसके स्तंभ है, इसके पांच पिलर्स हैं, क्या क्या है, ह्यूमन कैपिटल, दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या है नॉलेज एक्टिविटीज, चौथा आपका व्यावसायिक वातावरण प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, और पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण। अब परफॉर्मेंस में यानी कि इस वाले में इसके दो हैं आपका नॉलेज आउटपुट यानी कि ज्ञान उत्पादन, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन ज्ञान का प्रसार। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। इसकी इसमें रैंकिंग क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला में प्रमुख राज्य है यानी कि स्टेट, मेन स्टेट यानी कि प्रॉपर स्टेट जैसे कि आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह के राज्य। दूसरे में है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और हिली स्टेट जैसे कि आपका हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का रीजन, ये सारे। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये आपके लक्षद्वीप, तो ये सब आपका आते हैं तीसरे कैटेगरी में। तो इन क्षेत्रों को क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगली न्यूज है हमारी, अगला हमारा रिपोर्ट है, इंडेक्स है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ये क्या है, इसको वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है यानी कि ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे इस पर आधारित है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, 2021 में और अगले दशक में कोविड 19 महामारी के कारण बढ़ती असमानताओं और बढ़ते सामाजिक विखंडन के जोखिमों और परिणामों को उजागर करना। यानी कि रिस्क से मतलब क्या है, रिस्क से मतलब ही यही है कि कितना खतरा है। तो इसमें 2021 और इस अगले दशक में यानी कि 2021 से 30 का जो दशक है, ये पूरा दशक, इस दशक के अंतर्गत कोविड 19 का जो परिणाम है, कोविड 19 के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं दुनिया पर, इससे जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले रिपोर्ट आई है फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि कंपनीज की, के जो सितंबर से अब तक केवल एक महीने में बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्होंने कमाए हैं। तो एक तरफ अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे, लेबर टाइप की थी, तो उनके काम छूट गए, उनके पास वो हैंड टू माउथ भी स्थिति भी नहीं है, यानी कि उनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं है। तो इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं और सामाजिक विखंडन जो डिफ्यूजन हो रहा है सोसाइटी का या सोशल फैक्टर का पूरे देश दुनिया में, तो उसका क्या असर पड़ रहा है, पड़ेगा इस एक दशक के भीतर, इसके परिणामों को उजागर करना इस रिपोर्ट का कार्य है। अब प्रभाव से इसके शीर्ष जोखिम, इसमें संक्रामक रोगों से उत्पन्न जोखिमों को की सूची में नंबर एक के रूप में स्थान दिया गया है, यानी कि 2020 में 10वें स्थान पर इसे सूचीबद्ध किया गया था। इसमें कोविड 19 के प्रभाव के बारे में बताया गया है और डिजिटल अंतराल को जो गैप बढ़ रहा है, यानी कि डिजिटल डिवाइड का जो गैप बढ़ रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो आप इसको पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके शाम में हम पीडीएफ इसकी अपलोड कर देंगे। फिर इसमें जलवायु संबंधी चिंताओं के बारे में बताया गया है। अब ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके बारे में कुछ हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये 1971 में स्थापित हुआ था और एक गैर लाभकारी फाउंडेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडे को आकार देने के लिए अकिरणी
अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। अगली न्यूज है हमारी, अगला इंडेक्स है भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारी। हाल ही में ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन रिपोर्ट संकेतक रिपोर्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई है? ट्राई द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जारी की गई है। इसलिए इंडिया के इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस सूचकांक में क्या है? सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर क्या है? ये मेनली 5 पैरामीटर्स हैं इसमें। दूर संचार ग्राहक वायरलेस प्लस वायरलाइन, टेलीकॉम सब्सक्राइबर वायरलेस और वायरलाइन दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। इंटरनेट ब्रॉडबैंड ग्राहक, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाएं, राजस्व और उपयोग पैरामीटर और वायरलेस डेटा उपयोग। तो ये 5 पैरामीटर्स के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, ये जुलाई से सितंबर की तिमाही के लिए जारी की गई थी। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में पिछली तिमाही में 0.70% की वृद्धि हुई। तो ये कुछ डेटा इसमें बताया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2.22% की दर गिरावट को दर्शाया गया है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या में इस तिमाही में वृद्धि हुई और 3.6% की वृद्धि हुई। ब्रॉडबैंड ग्राहक के आधार में वृद्धि हुई, लेकिन नैरोबैंड ग्राहक आधार में गिरावट आई। 2003 में शुरुआत के बाद से डीटीएच डायरेक्ट टू होम सेवा ने अभूतपूर्व वृद्धि की है। यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज कब शुरू की गई थी? 2003 में। उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि अब तक 18 साल में हो गई है। तो ये कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगली न्यूज है हमारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है ईपीएफओ के एग्जाम में। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ और रैंकिंग को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? यह पारंपरिक हथियारों के साथ प्रत्येक देश की संभावित युद्ध क्षमता को जमीन यानी कि आपकी मिलिट्री सर्विसेज, समुद्री यानी कि नेवी सर्विसेज और हवा यानी कि एयरफोर्स, यानी कि तीनों ही फोर्सों के मिले जुले स्वरूप में किसी भी देश की मिलिट्री पावर को रैंक करता है, रैंक देता है। इसमें सूचकांक में भूगोल, इसका ज्योग्राफी, उस कंट्री की सैन्य क्षमता, जनशक्ति, उस सब के आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है, उसके बाद आपका रशिया है, फिर आपका चाइना की रैंक आती है। ये दुनिया में 3 टॉप की कंट्रीज हैं, यूएसए सबसे पहले, उसके बाद रशिया, उसके बाद आपका चाइना, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर इंडिया का स्थान आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का ईपीएफओ के एग्जाम में। तो ये चौथे नंबर पर आता है, भारत का चौथा स्थान है इसमें। 552 लड़ाकू विमान, 17 पनडुब्बियां, 4730 टैंक और 37 अटैक हेलीकॉप्टरों के साथ भारत सूचकांक में चौथे स्थान पर है। अब सूचकांक में पाकिस्तान का जो नंबर है, पाकिस्तान का 10वां स्थान है। इसने सैन्य शक्ति के मामले में इसराइल, इंडोनेशिया, ईरान और कनाडा को अब तक पीछे छोड़ दिया है। और इन सब 4 देशों को पीछे छोड़कर, स्पेशली आप देख सकते हैं कि ये इसराइल और कनाडा को पीछे छोड़कर पाकिस्तान 10वें स्थान पर अब आ गया है। अगली न्यूज है हमारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा। किसके द्वारा है? टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, CHRI दक्ष और ये कुछ रिपोर्ट्स के नाम, इसमें इंस्टीट्यूशंस के नाम है। तो आपको मेनली याद रखना है कि ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। टाटा ट्रस्ट द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसको विभिन्न राज्यों की न्याय देने की क्षमता का आकलन करती है। तो ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट इस बात का आकलन करती है कि भारत के विभिन्न राज्यों में, क्योंकि ये रिपोर्ट केवल भारत के ही संदर्भ में जारी की जाती है, इंडिया के स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में जारी की जाती है, तो इंडिया के सभी स्टेट्स की स्थिति देखी जाती है कि कहां पर न्याय, जस्टिस जो है, कितनी तीर मिल रहा है, महिलाओं को न्याय कितना तीर मिल रहा है, और जो सोशली बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या माइनॉरिटीज हैं, इन सभी को पर्टिकुलरली ये रैंक करता है। इस राज्यों को इन सब की स्थिति के आधार पर यह रैंक प्रदान करता है और एवरेज देखता है कि एक केस को एवरेज कितने टाइम में निपटाया जाता है किसी भी स्टेट के अंदर। तो इसके पैरामीटर क्या है? इसमें रिपोर्ट में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों और 8 छोटे राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। ये न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभों पर आधारित है, यानी कि जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में ये 4 पिलर्स पर आधारित है। 4 पिलर्स हैं इसके, कौन कौन सा है? पहला है न्यायपालिका यानी कि ज्यूडिशरी, पुलिस, तीसरा है जेल प्रिजंस और चौथा है कानूनी सहायता यानी कि लीगल एड। इसमें व्यय, रिक्तियों, महिलाओं के प्रतिनिधित्व और इन राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का भी विश्लेषण किया जाता है। यानी कि ये इन चारों जगहों पर ये देखता है कि महिलाओं की, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी की क्या स्थिति है, यानी कि ज्यूडिशरी में कितना इनका रिप्रेजेंटेशन है, जेलों में कितने कैदी हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के, और महिला कितनी महिला कैदी हैं, इसी तरह कितनी महिला सदस्य हैं ज्यूडिशरी में, कितनी महिला
ऑफिसर्स हैं पुलिस में, तो ये सारी इन चीजों की जांच करता है। अब राज्यों की रैंकिंग इसमें देख लेते हैं। इसमें महाराष्ट्र में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में लोगों को न्याय दिलाने में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, यानी कि महाराष्ट्र का जस्टिस के मामले में सबसे अव्वल स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र के अंदर एवरेज केसों का निपटारा सबसे ज्यादा जल्दी किया जाता है। इसके बाद किसका स्थान है? तमिलनाडु, तेलंगाना और फिर पंजाब और केरल का। तो यानी कि आप मेनली देख सकते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स का ही इसमें दबदबा है। सिर्फ पंजाब को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्दर्न स्टेट में सिर्फ पंजाब ही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जस्टिस देने के मामले में। छोटे राज्यों में 1 करोड़ से जहां कम आबादी है, इसमें त्रिपुरा इस सूची में सबसे ऊपर है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में त्रिपुरा सबसे ऊपर है, या फिर दूसरी तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे राज्यों में जहां की आबादी, जिन स्टेट्स की आबादी 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, यानी कि आपकी 1 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा का प्रथम स्थान है न्याय दिलाने में। पुलिस बल में महिला अनुपात, बिहार में अपने पुलिस बल में अधिकांश महिलाओं को नियुक्त करने के लिए 25 राज्यों की सूची में सबसे आगे हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट और फैक्ट्स हैं जहां पर आप या कोई भी स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़ा है क्लियरली रिपोर्ट्स को, तो वो बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। देखिए, अगर यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ ले कि महिलाओं का पुलिस अनुपात, महिलाओं में का पुलिस में, पुलिस बल में अनुपात बिहार राज्य में सबसे अच्छा है, तो बहुत ही आसानी से कोई भी कंफ्यूज होकर उस स्टेटमेंट को गलत मार्क कर देगा, क्योंकि अगर कोई भी होगा जिसने रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी तो इस तरह के स्टेटमेंट बहुत ज्यादा धोखा दे देते हैं, और इसी तरह के स्टेटमेंट्स पर यूपीएससी फोकस कर लेती है जहां पर बच्चा आसानी से कंफ्यूज हो जाए। तो पुलिस बल में महिला अनुपात में बिहार पहले नंबर पर है, यानी कि बिहार में जो रेशो है पुलिस बल के अंदर वो 25.3% है, यानी कि हर 100 पुलिसकर्मियों में से 25 जो पुलिसकर्मी है वो महिला पुलिसकर्मी है, 25 से ज्यादा। अब न्यायपालिका में महिला अनुपात कैसा है? देश भर में उच्च न्यायालयों में केवल 29% महिला न्यायाधीश महिलाएं हैं, लेकिन सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम में किसी भी राज्य में 20% से अधिक महिला न्यायाधीश नहीं है। सिक्किम को छोड़कर किसी भी राज्य में 20% से अधिक महिला न्यायाधीश नहीं है, यानी कि राज्यों के मामलों में सिर्फ आपका सिक्किम राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं का अनुपात जुडिशरी में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है, और बाकी किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा अनुपात नहीं है, 20% से कम ही अनुपात है। अगला हमारी रिपोर्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। ये एक समग्र सूचकांक है, यानी कि एक होलिस्टिक इंडेक्स है जो दुनिया भर के देशों को रैंक करने के लिए 12 सर्वेक्षणों को आकर्षित करता है। अब ये भ्रष्टाचार की धारणा का एक बेंचमार्क गेज बन गया है, यानी कि इसके आधार पर अब हर देश, दुनिया का हर देश भ्रष्टाचार की स्थिति अपने देश में देखता है। अब इसमें क्या है, देशों को रैंकिंग कैसे की जाती है? इसमें विशेषज्ञों और व्यवसायों के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों के आधार पर रैंक किया जाता है। ये 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, यानी कि इसमें 0 से 100 तक की स्कोर दिया जाता है। इसमें 0 सबसे अधिक भ्रष्ट है, यानी कि जिसको 0 के जितना पास जिसका स्कोर होगा, इसका मतलब उतना ही वो करप्ट कंट्री है, और जिसका स्कोर 100 के पास होगा, यानी कि 100 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो बिल्कुल वहां पर करप्शन फ्री कंट्री है, यानी कि करप्शन फ्री कंट्री है ऐसी कंट्री। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन है जो भ्रष्टाचार के अन्याय को समाप्त करने के लिए 100 से अधिक देशों में काम करता है। ये एक स्वतंत्र, गैर सरकारी और गैर लाभकारी है, यानी कि ये एक फ्री, इंडिपेंडेंट, आपका नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1993 में स्थापित हुआ था और बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड 88 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं, यानी कि आपका डेनमार्क और आपका न्यूजीलैंड तो इन दोनों को शीर्ष स्थान, पहला स्थान प्राप्त हुआ। इनका स्कोर कितना है? 88। कभी कभी स्कोर भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपका वही नॉर्डिक कंट्रीज हैं, फिनलैंड, फिर इसके बाद सिंगापुर है एक, और उसके बाद स्वीडन और स्विट्जरलैंड, इन सभी का एक साथ स्थान 85, प्रत्येक का स्थान 85 है, यानी कि सबके सभी ये सेकंड पोजीशन पर हैं। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 अंकों के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले पायदान पर हैं, यानी कि आपका सोमालिया और दक्षिण सूडान, आपका साउथ सूडान। तो आप देख सकते हैं कि हर इंडिकेटर में, हर इंडेक्स में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी स्थिति सबसे ज्यादा बदतर रहती है, और हर इंडिकेटर में जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इनकी स्थिति सबसे बेहतर होती है, आइसलैंड इत्यादि की, इन सबकी स्थिति सबसे बेहतर होती है। अब कुछ हम भारत का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, भारतीय परिदृश्य क्या है। भारत 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 6 स्थान फिसलकर 86वें स्थान पर आ गया है, यानी कि 2019 में भारत की पोजीशन क्या थी? 80वें स्थान पर था। अब ये क्या हो गया है? अब ये 86वें स्थान पर आ गया है।
2019 में ये 180 देशों में 180 देशों में 80वें स्थान पर था, अब 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है। भारत अभी भी भ्रष्टाचार सूचकांक में बहुत नीचे है। अगला हमारा सूचकांक है, अगला इंडिकेटर है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए आप इससे 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इस बार यूपीएससी प्री के अंदर। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ग्रामीण शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स का निर्माण करता है, यानी कि इसका निर्माण जो किया गया है इसको इकोनॉमिक सर्वे में इस बार के बनाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो आया, इस बार जो आया है इस साल का, उसमें बताया गया है। यह सूचकांक भारत में राज्यों और क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास में समानता का आकलन करने का एक साधन है। इसका कार्य क्या है, ये विभिन्न राज्यों के बीच इकोनॉमिक डेवलपमेंट का की इक्वालिटी का आकलन करेगा, असेसमेंट करेगा। ये बुनियादी जरूरतों के दृष्टिकोण का उपयोग करता है, यानी कि हर स्टेट के बीच में ये इंडिकेटर ये देखेगा कि कितना वहां कहां पर इसेंशियल कम्युनिटीज को सही तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा। तो इसके संकेतक क्या है, ये सूचकांक 5 आयामों पर 26 संकेतकों का उपयोग करता है। तो आपको 5 आयाम मेनली, जो मेन 5 पैरामीटर है वो याद रखना है। तो 5 पैरामीटर कौन से हैं, पहला है पानी यानी कि आपका वाटर, दूसरा है स्वच्छता क्लीनलीनेस, तीसरा है आवास यानी कि आपका रेजिडेंस, फिर है सूक्ष्म पर्यावरण माइक्रो एनवायरनमेंट और अन्य सुविधाएं अदर फैसिलिटीज। तो 5 बेसिक फैसिलिटीज के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। अब इसमें डाटा कलेक्शन कैसे किया गया है, 2012 से 18 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर सभी राज्यों के लिए सूचकांक बनाया गया है। इसकी रेंज क्या है, परास क्या है, सूचकांक पहुंच के 3 स्तरों पर क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है, यानी कि जो एक्सेस है, जो हमने 5 पैरामीटर का जिक्र किया, जैसे कि वाटर आपका स्वच्छता, वाटर पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं, इन 5 पैरामीटर्स को के आधार पर ये 3 रैंक प्रदान करता है। एक तो है हाई रैंक यानी कि उच्च रैंक, फिर है मध्यम यानी कि मीडियम रैंक है, और एक है लो रैंक यानी कि निम्न रैंक। तो इन 3 रैंकों पर किसी भी राज्य को रैंक प्रदान करता है। आवश्यक वस्तु की यानी कि बेसिक जो नीड्स हैं, बेयर नेसेसिटीज हैं, उनके आधार पर इन 3 कैटेगरी में बांटता है। तो सूचकांक में 0 से 1 की सीमा होती है, जहां 1 मूलभूत आवश्यकताओं तक सर्वोत्तम पहुंच का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अगर किसी स्टेट को, किसी राज्य को 1 नंबर प्राप्त हुआ है, यानी कि 1 का स्कोर प्राप्त हुआ है या 1 के आसपास का स्कोर प्राप्त हुआ है, जैसे 0.9, 0.8 प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो राज्य, वो पर्टिकुलर स्टेट अपनी बेसिक, अपने राज्य के निवासियों को बेसिक नीड्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा रहा है। तो इस आधार पर इस सूचकांक को बनाया गया है। अब इसमें राज्यों का प्रदर्शन क्या है, केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्य सूचकांक में शीर्ष पर हैं। यानी कि आप देख सकते हैं केरल इसमें शीर्ष पर है, उसके बाद आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, आपके पंजाब, उसके बाद हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा और गुजरात, ये सारे शीर्ष पर हैं। पूर्वी भारतीय राज्यों में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सबसे निचले स्थान पर हैं। यानी कि इसमें पूर्वी भारतीय राज्य सबसे निचले स्थान पर हैं, जिसमें आपका ओडिशा है, ओडिशा आपका, झारखंड आपका, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये चारों निचले स्थान पर हैं। 2012 की तुलना में 2018 में मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच में अंतर राज्यीय असमानता में कमी आई है। अमीर बनाम गरीब राज्य, गरीब राज्यों ने अमीर राज्यों के साथ दैनिक जीवन की बुनियादी चीजों जैसे आवास, पानी, बिजली, स्वच्छता, रसोई गैस, इस तक पहुंच प्रदान करने के अंतर को कम किया है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच अंतर, शहरी और ग्रामीण भारत के साथ साथ आय समूहों के बीच बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच में भी अभी अंतर बना हुआ है। अगला हमारा है एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। ये क्या है, इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स ये क्या करता है, ये सूचकांक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने में एशिया प्रशांत देशों की प्रगति मापता है। यानी कि इसमें इंडिविजुअल की हेल्थ से संबंधित पैरामीटर्स को मापा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन में किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ से रिलेटेड किस तरह के कदम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वहां उस देश की सरकार के द्वारा। इसमें सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही देखभाल को सक्षम बनाना शामिल है। इसमें कौन सा देश शामिल है, इस सूचकांक में एशिया प्रशांत के 11 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड को स्थान दिया गया है।
इसमें संकेतक क्या है, यानी कि आपके इंडिकेटर्स, इसमें महत्वपूर्ण संकेतक चार श्रेणियों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के 27 विभिन्न संकेतकों के खिलाफ प्रदर्शन को मापता है। इसमें चार संकेतक कौन से हैं, चार श्रेणियों में, नीति संदर्भ यानी कि आपका पॉलिसी से रेफरेंस पॉलिसी, स्वास्थ्य सूचना इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी या इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी, और स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ सर्विसेज। इसके निष्कर्ष सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, यानी कि 11 देशों की लिस्ट में एशिया पैसिफिक के अंदर जो 11 देशों पे ये सूचकांक जारी किया जाता है उसमें सिंगापुर आपका सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद ताइवान दूसरा, जापान तीसरा और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर। सूचकांक में सबसे नीचे इंडोनेशिया है 11वें स्थान पर, इंडोनेशिया आपका 11वें स्थान पर है, और भारत को 11 एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों में 10वां स्थान दिया गया है, यानी कि सेकंड लास्ट भारत का है, सबसे गंदी स्थिति भारत की है। अगला न्यूज है हमारी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, यूएनईपी द्वारा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट को जारी किया जाता है। रिपोर्ट कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबिन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ के सहयोग से प्रकाशित की गई, तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इसे यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में क्या किस बात पर प्रकाश डाला गया है, जलवायु परिवर्तन मामलों में जो वृद्धि हो रही है उस मामले पर प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट, और जलवायु परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों में अदालतों की जो कोर्ट्स हैं, जो ज्यूडिशरी है उसको अधिक रेलिवेंस बनाने के लिए की बात करती है। अब रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में जलवायु के मामले दुगने हो गए हैं, ये रिपोर्ट्स के कुछ इंडिकेटर्स कुछ डेटा बताए गए हैं, यही डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड जो बताए गए हैं कि जैसे कि 3 वर्षों में मामले दुगने हो गए, इसी ट्रेंड्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए कि पिछले 3 वर्षों में जो जलवायु परिवर्तन के मामले हैं वो लगभग 10 गुना हो गए हैं। इस तरह से ट्रेंड पर यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन दे पूछ सकती है। मामले सरकार को अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन निराकरण और अनुकूलन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी मजबूर करते हैं। रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 में 24 देशों में 884 मामले सामने आए और अब 2020 में 1550 मामले हो गए, तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। आगे है इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हम कुछ यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं। इसको 5 जून 1972 को स्थापित किया गया, इसका कार्य क्या है, वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की वकालत करना। प्रमुख रिपोर्ट है यूएनईपी के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लानेट रिपोर्ट, ये सारी यूएनईपी द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अभियान क्या क्या है, प्रदूषण को रोकना, यूएन 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड फॉर लाइफ, मुख्यालय इसका कहाँ है, नैरोबी कीनिया में। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अगली न्यूज है हमारी स्वतंत्रता सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, स्वतंत्रता सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की गई थी। सूचकांक 167 देशों में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की स्पष्ट छवि प्रदान करता है। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसमें 5 श्रेणियों पर यह सूचकांक आधारित है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रेणियां, क्योंकि अब तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे कि आप मीडिया के बारे में आजकल यहां सुनते होंगे न्यूज में, तो उस आधार पर इसको इस यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए इस सूचकांक को 5 श्रेणियों के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसमें है पहला है नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टीज, दूसरा चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लुरलिज्म, तीसरा है सरकार का कामकाज फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, चौथा है राजनीतिक भागीदारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और पांचवा है राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर। इन 5 श्रेणियों के आधार पर इस रिपोर्ट को डिवाइड किया गया है। इसमें वर्गीकरण देश को 0 से 10 का स्कोर प्रदान किया जाता है। ये स्कोर 5 श्रेणियों के भीतर 60 संकेतकों के आधार पर तय किया जाता है, यानी कि ये जो 5 इंडिकेटर हैं, इन 5 इंडिकेटरों में टोटल 60 सब इंडिकेटर हैं, यानी कि उपसंकेतक हैं। उपसंकेतकों में 60 उपसंकेतकों के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। 4 प्रकार के शासनों में से किसी भी एक में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि स्कोर के आधार पर इनको, देखिए इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर स्कोर बनाया जाता है, और स्कोर के आधार पर 4 कैटेगरी बनाई गई है किसी भी डेमोक्रेसी की। तो पहले ये पूर्ण लोकतंत्र, यानी कि इसमें फुल डेमोक्रेसी, तो जितना स्कोर ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि वहां फुल डेमोक्रेसी है, यानी कि जिस कंट्री का स्कोर 100 के जितना पास होगा उसका मतलब वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में।
तो पहला है इसमें चार कैटेगरी में, पूर्ण लोकतंत्र फुल डेमोक्रेसी, दूसरी है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र फ्लॉड डेमोक्रेसी फ्लॉ, तो भारत को फ्लॉ डेमोक्रेसी में ही रखा गया है। तीसरा है हाइब्रिड शासन हाइब्रिड रेजिम, और चौथा है सत्तावादी शासन ऑथोरिटेरियन रेजिम। तो अब भारत की कुछ स्थिति देख लेते हैं। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, उसके बाद आइसलैंड स्वीडन न्यूजीलैंड और कनाडा का स्थान है। भारत दो पायदान नीचे गिरा है। भारत का स्कोर 6.1 था, वर्तमान में भारत 2020 में 53वें स्थान पर है। पहले कितने कौन से पर था, ये 51वें पे था 2019 में, अब इस बार 2020 में, यानी कि ये रिपोर्ट अब जारी की गई है जनवरी 2021 में, और ये रिपोर्ट कब की है 2020 की रिपोर्ट, ये पिछली एक साल की रिपोर्ट देते हैं। तो ये अब भारत 53वें स्थान पर है। भारत का स्कोर कितना है 6.61। भारत को अमेरिका फ्रांस बेल्जियम और ब्राजील जैसे देशों के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र यानी कि फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंतर्गत फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में भारत को रखा गया है। अगली न्यूज है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये विश्व ऊर्जा आउटलुक श्रृंखला की एक नई विशेष रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए विश्वसनीय सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करना है, भारत के लिए आगे के अवसरों और चुनौतियों की पड़ताल करना, नवीनतम उपलब्ध ऊर्जा डेटा का उपयोग करके भारत की ऊर्जा आपूर्ति मांग और निवेश पर महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करना, संकट से बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। भारत 2030 तक, देखिए अब यहां से इंपॉर्टेंट कुछ इसके फैक्ट हैं, भारत 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता होगा, यानी कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। इंडिया जो एनर्जी रिपोर्ट है, इंडिया एनर्जी आउटलुक, इसमें ये बताया गया है। इंडिया एनर्जी आउटलुक के नाम से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये किसी इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, जैसे कि आरबीआई द्वारा या नीति आयोग द्वारा या किसी और इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है इंडिया एनर्जी आउटलुक। तो इसमें बताया गया है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा यानी कि थर्ड सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर कंट्री बन जाएगा। वर्तमान में भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है, यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री मान लें तो इसके बाद पहला नंबर पे चाइना की एनर्जी कंजम्पशन है, उसके बाद यूएसए है आता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है, और फिर चौथे नंबर पे भारत का नाम आता है इंडिया का। लेकिन 2030 तक ये यूरोपियन यूनियन को सरपास करके तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा इंडिया। और इसमें क्या बताया गया है, ऊर्जा जरूरतें इसे जीवाश्म ईंधन के आयात पर और अधिक निर्भर बना देंगी, और इसका घरेलू तेल और गैस उत्पादन बताया गया है कि वर्षों से स्थिर है। अक्षय ऊर्जा के विकास में भारत का हिस्सा चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा इसका हिस्सा है, यानी कि चाइना के बाद इंडिया दूसरी सबसे बड़ा कंट्री है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मौजूदा नीतियों के परिदृश्य के तहत 2040 तक भारत की तेल मांग 74% बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। तो ये कुछ बताया गया है फैक्ट। अगली न्यूज इसमें ही आगे है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1974 में से पेरिस में फ्रांस में स्थापित किया गया, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण इसकी नीतियों में शामिल है, इसलिए इसे 3E के रूप में भी जाना जाता है। 3E मतलब ई फॉर पहला है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो इसको 3E के नाम से भी इसकी नीतियों को जाना जाता है। तो भारत मार्च 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बना था। तो भारत कब बना था, 2017 में इसमें शामिल हुआ। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट प्रतिवर्ष IEA द्वारा जारी की जाती है। अगली न्यूज है हमारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये इंडियन का ही इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इसने पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। ये डाउन टू अर्थ के साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है, तो वार्षिक ये जारी की जाती है। इस प्रकाशन को भारत के पर्यावरण का सबसे विश्वसनीय और पूर्ण वार्षिक सर्वेक्षण माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और कंप्लीट एनुअल सर्वे इसको माना जाता है। इसमें इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन बताया गया है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर रैंक दिया जाता है, यानी कि इसमें राज्यों को जो रैंक दी जाती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से जो 2030 के मध्य के लिए बनाए गए हैं उसके गोल्स के आधार पर, गोल्स के परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान की जाती है।
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। देखिए सारे ही साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, स्पेश खाली हिमाचल प्रदेश को अगर हम छोड़ दें। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। पर्यावरण की स्थिति 2009 से 18 के बीच भारत की वायु, जल और भूमि अधिक प्रदूषित हुई है। महाराष्ट्र में तारापुर सबसे प्रदूषित क्लस्टर के रूप में उभरा है। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महाराष्ट्र में तारापुर सबसे प्रदूषित क्लस्टर के रूप में उभरा है। आगे है इसमें विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, जो आपका CAE है जो ये रिपोर्ट जारी करता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थापित है। 1980 में इसकी स्थापना हुई। इसका कार्य क्या है? भारत में पर्यावरण विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में काम करना। अगली न्यूज है हमारी अवसर सूचकांक अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? लिंक्डइन के द्वारा। अब आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। लिंक्डइन क्या है आपको पता ही होगा। लिंक्डइन आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में काम करती है। यहाँ पर ज्यादातर जो किसी एमएनसीज में काम करने के लिए जो लोग इच्छुक होते हैं वो यहाँ पर अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं और विभिन्न कंपनियां उनसे कॉन्टैक्ट कर लेती हैं। तो लिंक्डइन ने अवसर सूचकांक 2021 जारी किया है। इसने क्या किया है, 2021 के सर्वेक्षण में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर से पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा इसमें कुछ उत्तरदाता लिए हैं, यानी कि लोगों पर रिसर्च की है। ये शोध मार्केट रिसर्च फर्म GfK द्वारा किया गया। 18 से 65 वर्ष के इसमें लोग शामिल किए गए। इसमें मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं कि 10 में से 9 या 89% महिलाएं कोरोना वायरस महामारी से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। भारत में 85% या 5 में से हर 4 कामकाजी महिलाओं का मानना है, यानी कि ये तो 89% महिलाएं या 10 में से 9 महिलाएं तो ऐसी हैं कि जिनके जो नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुई हैं कोरोना वायरस से, लेकिन जो काम कर रही हैं उन काम करने वाली महिलाओं में से भी 85% महिलाओं का मानना ये है कि वो अपने जेंडर की वजह से उनकी वेतन वृद्धि नहीं होती, उनका प्रमोशन नहीं होता और उनको प्रपोजल में बड़े अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं या प्रपोजल हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में सामने आया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ये औसत 60% है, यानी कि यहाँ जो 85% बताया गया है इंडिया के संदर्भ में, ये ओवरऑल एशिया पैसिफिक के लिए ये फिगर 60% है। तो हमारी यहाँ स्थिति ज़्यादा बुरी है महिलाओं की। इस APC क्षेत्र की तुलना में भारत में अधिक महिलाओं ने करियर विकास पर लिंग के प्रभाव का अनुभव किया है। अगली न्यूज़ है हमारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेकरली सिमोंस द्वारा। ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेकरली साइमंड्स द्वारा, या क्वेकरली सिमोंस भी कहते हैं। क्वेकरली साइमंड्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, सालाना रिलीज की जाती है। पैरामीटर क्या है? ये 4 मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन की गणना करता है। इसका मेन चीज तो क्या काम है, QS रिपोर्ट का काम, इसको ये यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है, उनकी प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। और इसके कौन रैंक करता है? क्वेकरली सिमोंस, यानी कि QS के द्वारा रैंक किया जाता है। किस आधार पर? 4 पैरामीटर्स के आधार पर। ये आधार कौन कौन से हैं? अकादमिक प्रतिष्ठा, एकेडमिक रेपुटेशन, नियोक्ता प्रतिष्ठा, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, अनुसंधान प्रभाव, रिसर्च इंपैक्ट, और चौथा है संस्थान के अनुसंधान संकाय की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस रिसर्च फैसिलिटी, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसर्च फैसिलिटी। तो इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूट को रैंक किया जाता है इस रैंकिंग में। इसमें कुल 51 विषयों को 5 व्यापक विषयों के विषय क्षेत्र में बांटा गया है, यानी कि टोटल 51 सब्जेक्ट्स को इसमें लिया जाता है। और उन 51 सब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, कुल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो 5 कैटेगरी कौन सी हैं? कला और मानविकी, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान और चिकित्सा, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन। चौथा है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज, और 5वां है सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। इन 5 कैटेगरी में 51 विषयों को रखा जाता है और उनके आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब इसके आउटकम्स देख लेते हैं। इसमें IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 30वें स्थान पर, IIT बॉम्बे 41वें रैंक, और IIT खड़गपुर को खनिज और खनन इंजीनियरिंग, आपकी मिनरल्स एंड माइन इंजीनियरिंग में 44वां स्थान मिला है। IISc बैंगलोर सामग्री विज्ञान मटेरियल साइंस के लिए 78वें और रसायन विज्ञान के लिए 93वें स्थान पर बना हुआ है। इसमें सब्जेक्ट रैंकिंग में पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा हासिल की गई ये सर्वोच्च रैंक है, यानी कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो दर्जा दिया जाता है उसके आधार पर ये सर्वोच्च रैंक प्रदान की गई है।
यानी कि आपका इसमें है जीव साइंस, जीव विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में एम्स को 248वां स्थान मिला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को कला और मानविकी में 159वां, दिल्ली विश्वविद्यालय को 252वां स्थान। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी में सोशल साइंस और मैनेजमेंट में 208वां स्थान हासिल किया है। तो ये कुछ इसके बारे में कि इसके बारे में फैक्ट थे और कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। अगली न्यूज हमारी अगली रैंकिंग है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवास और शहरी मंत्रालयों ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दोनों को किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2018 से इसको जारी किया जाता है। ये एक आकलन उपकरण है यानी कि असेसमेंट टूल है। इसके पैरामीटर क्या है? इसको निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ इसका 35% वेटेज है, आर्थिक क्षमता इकोनॉमिक एबिलिटी 15% इसका वेटेज है, स्थिरता सस्टेनेबिलिटी का 20% वेटेज और नागरिक धारणा सर्वेक्षण सिटीजन परसेप्शन सर्वे का 30% का वेटेज है। यानी कि इस पे चार परसेप्शन के चार पैरामीटर्स के आधार पर इस सूचकांक को बांटा जाता है। किस सूचकांक को? ये जो पहला सूचकांक है, इसमें दो सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं ना। पहला सूचकांक है हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पांच सूचकांक के आधार पर चार सूचकांक के आधार पर इसको बांटा जाता है। कवरेज क्या है? 111 शहरों को दो श्रेणियों में विभाजित करके मूल्यांकन किया गया। दो श्रेणियों में कैसे? एक है मिलियन प्लस आबादी वाले शहर और दूसरे हैं मिलियन से कम आबादी वाले शहर। मिलियन प्लस आबादी वाले शहर में और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत सभी शहरों को एक साथ और मिलियन से कम आबादी वाले शहर में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मिलियन प्लस श्रेणी में क्या है? बेंगलुरु इसमें टॉप परफॉर्मर बन के उभरा है, यानी कि इसमें बेंगलोर का पहला स्थान है मिलियन प्लस श्रेणी में। उसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान है। और मिलियन से कम श्रेणी में शिमला इस कैटेगरी में टॉप पर है, शिमला को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाड़ा, सेलम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचप्पली, ये सारे आपको मेनली आपको और पहली रैंक के याद रखने हैं। अगला है इसी में नगर प्रदर्शन सूचकांक म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ लॉन्च किया गया। ये सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में स्थानीय सरकारी प्रथाओं की जांच करता है, स्थानीय शासन अभ्यास में जटिलताओं को सरल करता है। इसका कवरेज क्या है? ये 111 नगर पालिकाओं के क्षेत्रीय प्रदर्शन की जांच करता है। इसमें दिल्ली का अलग से मूल्यांकन किया जाता है। प्रयुक्त पैरामीटर एमपीआई के तहत पांच कार्य क्षेत्र क्या है? देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें दिल्ली को काउंट नहीं किया जाता, दिल्ली को अलग से उसका इंडिकेटर को मापा जाता है। इसमें पांच कार्यक्रम है, पांच कार्य क्षेत्र है, इसकी सेवाएं यानी कि सर्विसेज, फिर है वित्त यानी कि फाइनेंस, फिर है नीति पॉलिसी, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और शासन यानी कि गवर्नेंस। इन पांच पैरामीटर्स के आधार पर इसको जांचा जाता है। पांच कार्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 20 सेक्टर और 100 संकेतक शामिल हैं। अब इसमें श्रेणियां क्या है? इसमें नगर पालिकाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें भी पहले की तरह दो श्रेणियां, मिलियन प्लस और मिलियन से कम, यानी कि 1 लाख से कम आबादी वाले इसमें दो हैं, 1 लाख से कम आबादी वाले और दूसरे हैं 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले। इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या है? मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर को सर्वोच्च रैंक हासिल हुई है। मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसके बाद सूरत और भोपाल का नंबर आता है। और मिलियन से कम श्रेणी में नई दिल्ली नगर परिषद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान है। अगली न्यूज है हमारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2021, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को 2021 में यूएनईपी द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूएनईपी द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक फूड वेस्ट इंडेक्स 2030 की ओर राष्ट्रीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए इस सूचकांक को बनाया गया है। इसमें क्या है? इसमें खाद्य पदार्थों का 17% बर्बाद हुआ है, ये बताया गया है। 690 मिलियन लोगों को भूखा रहना पड़ा, 2021 की रिपोर्ट बताती है। तो यही कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अगला है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा क्या जारी किया जाता है? आपका इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी किया जाता है। यह वार्षिक सूचकांक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1995 में थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता को मापना इसका उद्देश्य है। कवरेज, सूचकांक ने 184 देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को कवर किया। पैरामीटर, इसमें पैरामीटर क्या क्या है?
चार व्यापक श्रेणियों में 12 संकेतकों को मापता है। पहला है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसमें संपत्ति अधिकार, सरकारी अखंडता, न्यायिक प्रभावशीलता। दूसरा है सरकारी आकार, गवर्नमेंट साइज, सरकारी खर्च, कर का बोझ, वित्तीय स्वास्थ्य, यानी कि चार श्रेणियों में 12 इंडिकेटर है इसमें, देख लीजिए टोटल 12 इंडिकेटर है ये। नियामक दक्षता, रेगुलेटरी एफिशिएंसी में व्यापार स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता और मौद्रिक स्वतंत्रता। और चौथा है मुक्त बाजार, ओपन मार्केट्स, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता। इन श्रेणियों के भीतर 12 आर्थिक स्वतंत्रताओं में से प्रत्येक को 0 से 100 के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। 0 सबसे कम आर्थिक स्वतंत्रता है और स्कोर 100 उच्चतम आर्थिक स्वतंत्रता है, ये इस रिपोर्ट में बताया जाता है। अगली न्यूज है हमारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? स्विस टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी आई क्यू एयर के द्वारा। स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्विस टेक्नोलॉजी, इसके आई क्यू एयर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता का एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये कौन सा पॉल्यूटेंट पर आधारित होती है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉल्यूटेंट। ये रिपोर्ट PM2.5 के डेटा पर आधारित है केवल। ये जमीन आधारित निगरानी स्टेशनों के आंकड़ों के आधार पर 106 देशों की निगरानी करता है। दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर चीन का झिनजियांग है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, और पहला चीन का झिनजियांग शहर। भारत से संबंधित, भारत दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 खाली भारत में ही है। मतलब दुनिया के जो टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेंट शहर हैं उसमें से 35 केवल भारत में ही है। दिल्ली को 2020 में 10वें सबसे प्रदूषित शहर और दुनिया के शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2019 से 2020 तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में 15% का सुधार हुआ। 2020 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में भारत का स्थान है। सबसे ऊपर बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर भारत, इंडिया है। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश के रूप में भारत को चिन्हित किया गया है। अगला है हमारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? IRENA द्वारा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसमें 2050 तक कुल बिजली की जरूरतों को 90% नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा आपूर्ति की जाएगी। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति 2050 तक 90% बिजली की आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इस सुविधा ज्ञान को आगे बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा को अपनाने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। इसकी स्थापना 2009 में और जुलाई 2010 में इसको लागू किया गया। सदस्य कौन से हैं? एजेंसी के कुल सदस्य 161 हैं। इसमें भारत इसका 77वां संस्थापक सदस्य बना है और मुख्यालय इसका क्या है? अबू धाबी में है। और ये एक संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक है, यानी कि यूएन का ये एक ऑब्जर्वर एजेंसी है, ऑब्जर्वर एजेंसी। अगली न्यूज है हमारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं पहले भी यूपीएससी द्वारा और आगे भी पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, SDSN के द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देशों को इस आधार पर रैंक करती है कि उनके नागरिक खुद को कितना प्रसन्न समझते हैं, तो ये इस रिपोर्ट का आधार है। पैरामीटर क्या है? रैंकिंग मतदान करने वाले मतदान यानी कि मतदान पर आधारित है। ये 6 इंडिकेटर्स को देखता है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर पहला इंडिकेटर। दूसरा है सामाजिक समर्थन, सोशल समर्थन आपका। तीसरा जन्म के समय स्वास्थ्य की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा है जीवन के चुनाव करने की स्वतंत्रता। पांचवा है उदारता लिबरलिज्म और भ्रष्टाचार की धारणा, छठा इंडिकेटर है। इनको 0 से 10 के पैमाने पर वर्तमान जीवन का मूल्यांकन करने के लिए बनाया जाता है। अगली रिपोर्ट है हमारी ऑक्सफैम असमानता सूचकांक, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स। इस बार यह क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि इनइक्वालिटी इस COVID-19 के काल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अमीरों के पास और ज़्यादा पैसा आया है, जैसे कि आपने कई रिपोर्ट्स में देखा होगा कि अडानी और अंबानी की को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इस करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं इस COVID-19 के दौरान। तो ये श्रम और रोजगार मंत्री ने ऑक्सफैम असमानता सूचकांक पे इस पे सवाल उठाए, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। पैरामीटर 158 देशों का इसमें स्थान दिया जाता है,
तीन क्षेत्रों में नीतियों और कार्यों को मापता है। अब इसमें तीन क्षेत्र कौन से हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि आपकी पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, कराधान यानी कि टैक्सेशन, टैक्सेशन को मापता है, और कार्यकर्ता के अधिकार। निष्कर्ष, इसमें नॉर्वे सबसे ऊपर है, यानी कि नॉर्वे आपका सबसे पहली रैंक है इसकी, उसके बाद डेनमार्क और जर्मनी, उसके बाद है भारत को 158 देशों में कुल मिलाकर 129वां स्थान मिला है। यानी कि इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया 129वें स्थान पर है, 129th रैंक है। और अगला और लास्ट हमारा आज का है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत के 53वें, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। यानी कि इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, इसमें 40वीं रैंक भारत की बताई गई है। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है। यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी इंडेक्स, पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। ये अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो कुल 53 देशों के को मापता है पैरामीटर्स को, ये कुल 53 देशों की जो जीडीपी है, ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 90% से अधिक है। अब इसमें पैरामीटर क्या है, ये 50 अद्वितीय यूनिक इंडिकेटर्स के आधार पर इसने सारे इंडिकेटर्स को 9 श्रेणियों में बांटा है। पहला है पैटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क, चौथा है डिजाइन अधिकार, पांचवा है व्यापार रहस्य, छठा है आईपी परिसंपत्तियों का व्यवसायीकरण, सातवां है प्रवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट, चौथा आठवां है प्रणालीगत दक्षता, और नवा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सदस्यता और अनुसमर्थन। अब इसमें महत्व क्या है, आईपी इंडेक्स नीति निर्माताओं के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है। यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान 2021 में इंडेक्स पर शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं। यानी यूएस आपका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान, ये सारे पहले स्थान पर हैं। भारत से संबंधित, भारत 2021 के सूचकांक में 40वें स्थान पर है और 2020 में भी 40वें स्थान पर था। ब्रिक्स देशों में भारत ने 13% से अधिक के समग्र सुधार के साथ दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। यानी कि ब्रिक्स नेशन में इंडिया की जो वृद्धि है, दूसरी सबसे अधिक वृद्धि है। इसका मतलब ये नहीं है इंडिया इन देशों से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि जितनी इन देशों की वृद्धि हुई है सबकी इंडिविजुअल, उसमें 13% वृद्धि के साथ भारत की दूसरी सबसे अधिक वृद्धि हुई है ब्रिक्स देशों के संदर्भ में। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, अगला हमारा एक लेक्चर और आएगा इंडाइसेज और रिपोर्ट्स का, उसमें हम पिछले एक साल का सारा इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम फिर जैसे कि हमने आपको बताया टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर्स पिछले एक साल का आपको इसी मंथ कवर करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम रिपोर्ट और इंडाइसेस का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आपको पता ही है, कल जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के रिपोर्ट और इंडाइसेस के करंट को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को, जो रिपोर्ट और इंडाइसेस से रिलेटेड हैं, उन करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज दिन में हमने एक लेक्चर अपलोड किया है जो कि हमारा ज्योग्राफी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ये सारे ही लेक्चर दो दो तीन तीन पार्ट में हम कवर कर देंगे, और इसके बाद जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट होता जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अब अगला जो हमारा होगा, इन दोनों में से ज्योग्राफी और रिपोर्ट और इंडाइसेस के लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद जो अगला हम टॉपिक चूज करेंगे, वो हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर होगा। उसके बाद हम अदर टॉपिक्स को देखेंगे, और हम जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम 30 सितंबर तक, इस मंथ के लास्ट तक, सारी करंट अफेयर्स पिछले एक से एक साल से ज़्यादा की, लगभग जुलाई 2020 से लेकर सारी करंट अफेयर्स हम अब तक की सितंबर तक की कवर कर देंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम मेनली इन रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, चांडलर गुड गवर्नमेंट्स इंडेक्स, इसके अलावा भी कुछ इंडेक्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला है टॉपिक है हमारा वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्ट्स में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने होते हैं। पहला, किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, दूसरा, भारत की रैंक क्या है, तीसरा, पहली रैंक पर कौन है, और चौथा, उसके पैरामीटर्स, कि इसके पैरामीटर्स क्या है, किन पैरामीटर्स के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है या फॉर्म किया जा रहा है। तो पहली हमारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021।
इसमें किसके द्वारा जारी है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये वैश्विक पवन रिपोर्ट शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए यानी कि जीरो कार्बन एमिशन पर आधारित है। पवन ऊर्जा की भूमिका पर प्रकाश डालती है, यानी कि विंड एनर्जी पर यह प्रकाश डालती है। अब इसमें क्या है रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष? पवन ऊर्जा 2020 में हवा से बिजली पैदा करने की दुनिया की क्षमता में 53% की वृद्धि हुई है। यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में बिजली जो विंड से एनर्जी पैदा की जा रही है उसमें लगभग 53% की वृद्धि पैदा हुई है। कुल 93 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है, यानी कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर 93 गीगावाट एनर्जी की क्षमता स्थापित की गई है। वर्तमान वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता, वर्तमान में विश्व की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 743 गीगावाट है। यानी कि अगर पूरी दुनिया की पूरी वर्ल्ड की हम विंड एनर्जी कैपेसिटी देखें तो कितनी है 743 गीगावाट। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अकेले इन दोनों ही देशों की कुल 75% से ज्यादा जो विंड एनर्जी की कैपेसिटी है वो 75% से ज्यादा केवल इन दोनों देशों की ही है। दुनिया की पवन ऊर्जा क्षमता के आधे से अधिक के लिए ये जिम्मेदार है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता, अब भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फरवरी 2021 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 38 गीगावाट थी, यानी कि ये फरवरी 2021 इस साल तक 38 गीगावाट भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपसे पूछा जा सकता है, 38 गीगावाट भारत की कुल स्थापित क्षमता है, गीगावाट है ये, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो पवन ऊर्जा में विंड एनर्जी कैपेसिटी में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, 38 गीगावाट के साथ। आगे है इसमें वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, वैश्विक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल या वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, इसकी स्थापना 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्वसनीय और प्रतिनिधि मंच प्रदान करने के लिए की गई। उद्देश्य इसका यह सुनिश्चित करना है कि पवन ऊर्जा दुनिया के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक के रूप में स्थापित हो और पर्याप्त पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो आपको जो संस्था जारी करती है रिपोर्ट उसके बारे में स्टैटिक फैक्ट भी पता होने चाहिए, यानी कि उस संस्था का निर्माण कब हुआ था, कब स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट कब है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और तीसरा उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसका मैंडेट क्या है, कि वो किस उद्देश्य के तहत काम कर रही है। अगला है हमारा इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी का बहुत फेवरेट इंडेक्स है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे रिपोर्ट को जारी किया जाता है, कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसमें चार क्षेत्रों में देशों को लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए यह जारी किया जाता है, यानी कि ये चार क्षेत्रों में लिंग अंतराल को देखता है, किन चार फील्ड्स में देखता है, यानी कि इसके चार पैरामीटर्स हैं किसी भी देश में जेंडर गैप की स्थिति को देखने के। इसके चार पैरामीटर हैं, पहला है राजनीतिक अधिकारिता, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या राजनीतिक सशक्तिकरण कह सकते हैं आप, सशक्तिकरण। दूसरा है आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तीसरा है शैक्षिक प्राप्ति और एजुकेशनल अटेनमेंट। चौथा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल। इन चार पैरामीटर्स के आधार पर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इन चार पैरामीटर्स के आधार पर किसी भी देश में जेंडर की स्थिति देखते हैं, यानी कि लिंग अंतराल को देखते को नापता है। यह अंतर कारकों की भी जांच करता है और लिंग समावेशी पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक नीतियां और प्रथाओं की रूपरेखा भी बताता है। यानी कि यह हाल ही लिंग अंतराल को नापता ही नहीं है, जेंडर गैप को सिर्फ जांचता ही नहीं है, बल्कि उस देश को सुझाव भी देता है कि जेंडर गैप को सुधारने के लिए उस देश को किस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए और किस तरह के उसको प्रथाएं या ट्रेडिशंस बनानी चाहिए। सूचकांक क्या करता है? देशों को 0 से 1 के स्कोर में कैटेगराइज करता है, 0 से 1 के स्कोर में। यानी कि 0 यहाँ पर क्या संदर्भित करता है कि जिस देश का स्कोर 0 के जितना पास होगा, इसका मतलब यह है कि उस देश में जेंडर गैप की स्थिति उतनी ही बुरी है, यानी कि लिंग भेदभाव की समस्या है, मेल और फीमेल के बीच बहुत ज्यादा अंतराल है, उनकी जॉब्स को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनके और भी तरह की लिबर्टी को लेकर जेंडर गैप में बहुत ज्यादा अंतराल है। अगर जिस देश का स्कोर जितना भी 1 के पास होगा, यानी कि वहां पर जेंडर इक्वेलिटी उतनी ही ज्यादा है, वहां पर इनइक्वेलिटी उतनी ही कम है जेंडर को लेकर। तो इस रिपोर्ट की मेन फाइंडिंग क्या है, मुख्य निष्कर्ष? ये रिपोर्ट 156 देशों में, आइसलैंड दुनिया का सबसे अधिक लिंग समान देश है, यानी कि सबसे अच्छी स्थिति किसकी है जेंडर गैप के मामले में, यानी कि जेंडर गैप सबसे ज्यादा जो कम है वो आइसलैंड में है, यानी कि यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी सबसे ज्यादा है। भारत 140वें स्थान पर है, बदतमीज स्थिति है भारत की। दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है।
सबसे अधिक गिरावट भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला जो सूचकांक है, जो पैरामीटर है, इस सूचकांक को बनाने का जो पहला पैरामीटर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये बताता है, ये सूचकांक ये बताता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो इस वाले पैरामीटर में आई है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम हुई है, यानी कि हमारे यहाँ एमपी एमएलए बहुत ही, महिला एमपी एमएलए बहुत ही ज्यादा कम है। और जो अन्य जो पैरामीटर्स हैं यानी कि आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अवसर और अपॉर्चुनिटी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, हेल्थ एंड अकाउंटेबिलिटी या हेल्थ अटेंडमेंट, और इसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल, इन सारे सूचकांक में भी भारत में गिरावट आई है। आगे इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि भारत में महिलाओं की अनुमानित अर्जित आय पुरुषों का केवल 5वां हिस्सा है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी भी यहाँ भारत में बहुत ज्यादा है। अगर भारत में किसी एक सा काम करने वाले मनुष्य को, मेल को अगर ₹100 दिए जा रहे हैं तो उसी काम के फीमेल को केवल ₹20 दिए जा रहे हैं। तो यही इसमें बताया गया है, महिलाओं की अनुमानित अर्जित आय पुरुषों का केवल 5वां हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में देख लेते हैं, जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग से के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1971 में इसकी स्थापना हुई, गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में इसे स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और विशेष हितों से बंधा हुआ नहीं है। फोरम शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखने का प्रयास करता है। अब इसके द्वारा कुछ अन्य रिपोर्टें जो जारी की जाती हैं, पहला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स इसके द्वारा जारी की जाती हैं। अगला सूचकांक है हमारा विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा। इसका नवीनतम संस्करण जनवरी 2021 में जारी किया गया, जिसमें 11% भारत के लिए विकास का पूरा अनुमान जो किया गया था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12.5%। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12.5% इसका एजम्पशन किया गया है। अब ये क्या है, ये रिपोर्ट क्या है? ये IMF का एक सर्वेक्षण है, एक सर्वे है। ये आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में साल में दो बार, एक बार अप्रैल में जारी किया जाता है और दूसरी बार अक्टूबर में ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी करना। अब इसमें इसके प्रमुख बिंदु क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021 में 12.5% और 2022 में 6.9% बढ़ने की उम्मीद है। तो आपके लिए दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके IMF की जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये भारत, इसने फिस्कल ईयर 2021 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी प्रिडिक्ट की है? 12.5% और 2022 के लिए कितनी प्रिडिक्ट की है? 6.9%। 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8% का अनुमानित संकुचन देखा गया, यानी कि 2020 में लास्ट ईयर क्या बताया है इस रिपोर्ट में? बताया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, GDP है, उसमें 8% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 8% संकुचित हुई है। 2021 में भारत की विकास दर चीन की तुलना में अधिक मजबूत है। चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था थी जिसकी 2020 में सकारात्मक विकास दर 2.3% थी, तो यानी कि उसका जो ग्रोथ रेट था ये पॉजिटिव था और 2.3% था। ये अकेला एकमात्र जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था थी, यानी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र अर्थव्यवस्था थी चाइना, जिसमें ग्रोथ ट्रेंड देखा गया है। 2021 में चाइना में 8.6% की ग्रोथ और 2022 में 5.6% की ग्रोथ की उम्मीद या प्रेडिक्शन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं, ये 189 देशों का संगठन है। कब बनाया गया? 1945 में। भारत 27 दिसंबर 1945 को इसमें शामिल हुआ। अन्य रिपोर्टें इसके द्वारा जो जारी की जाती हैं IMF के द्वारा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर जिसे फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट भी कहा जाता है। अगली न्यूज है हमारी, अगला सूचकांक वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021। ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसका उद्देश्य वर्तमान संकट से सबक प्रदान करना। इसका विषय क्या है? COVID-19 के बाद खाद्य प्रणालियों को बदलना, ये इसका विषय है, थीम है। तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस जगह थीम दी गई है, जो रिपोर्ट अपनी थीम बताती है हर साल, वो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं,
जो कोविड 19 के बारे में आपके लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था यानी कि IFPRI के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। ये गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, 1976 में स्थापित हुआ था। इसका मैंडेट क्या है, जनादेश क्या है, ये अनुसंधान आधारित नीति समाधान प्रदान करता है, यानी कि ये पॉलिसी रिलेटेड सजेशन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को कि किस तरह फूड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाए, खाद्य से रिलेटेड पॉलिसीज कोई भी देश किस तरह अपनी फ्रेम करे। और इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को यानी कि हंगर को और कुपोषण को माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन यूएसए अमेरिका। अगला सूचकांक है हमारा समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEU द्वारा, EIU द्वारा जारी किया गया है। किसके साथ साझेदारी में, फेसबुक के साथ साझेदारी के साथ ये जारी किया गया है, EIU द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य इंटरनेट की पहुंच और सामर्थ्य की सीमा को मापने का प्रयास करता है। इंटरनेट व्यक्तिगत और समूह स्तर पर सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणामों को सक्षम बनाने का के बारे में बात करता है। अब इसमें किन देशों को कवर किया गया है, 120 देशों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। अब इसमें चार श्रेणियों में पैरामीटर के आधार पर इसमें इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो इसमें चार श्रेणियां क्या है यानी कि चार पैरामीटर्स क्या है इसके, पहला है इंटरनेट की उपलब्धता अवेलेबिलिटी, दूसरा है इंटरनेट की वहनीयता अफोर्डेबिलिटी, यानी कि पहला उपलब्धता से मतलब यह है कि उस देश में जिस देश की ये बात की जा रही है उस किसी पर्टिकुलर देश के अंदर इंटरनेट कितना उपलब्ध है यानी कि किन किन क्षेत्रों में दिया जा रहा है। दूसरा है वहनीयता अफोर्डेबिलिटी, अगर दिया जा रहा है किसी देश के अंदर तो वहां पर प्राइस क्या है, अगर कोई बंदा कोई वहां का आम आदमी उस इंटरनेट को अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं। तीसरी ही प्रासंगिकता रेलिवेंस, अब अगर अफोर्ड भी कर पा रहा है और प्रदान भी किया जा रहा है उस इंटरनेट फैसिलिटीज, तो साथ ही साथ अब यहाँ प्रासंगिकता का भी प्रश्न आता है कि वहां पर जो सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, क्या वो डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हैं, तभी तो उसकी प्रासंगिकता बनेगी इंटरनेट की। अदरवाइज अगर कोई सुविधा वहां पर सरकारी फैसिलिटी डिजिटल माध्यम में उपलब्ध है नहीं और इंटरनेट फैसिलिटी दी गई है तो उस इंटरनेट फैसिलिटी का लोग क्या करेंगे, बेकार है। और है फिर तत्परता यानी कि रेडीनेस, अब लोग उसको अपनाने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने तैयार हैं। ये चार पैरामीटर्स के आधार पर इंटरनेट सूचकांक को ये मापता है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक। अब इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है, इसमें स्वीडन सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो आप ज्यादातर देखेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वेजियन कंट्रीज ही ज्यादातर पहले स्थान पर रहती हैं। तो स्वीडन सूचकांक में पहले स्थान पर है, इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान। इंडेक्स में 120 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 49वां। 2025 तक 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए तैयार, यानी कि 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या, इंटरनेट यूजर जो हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 अरब 100 करोड़ यानी कि संख्या हो जाएगी। 2020 में भारत में 687.6 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, यानी कि अब तक हमारे यहाँ कितने हो चुके हैं, 60 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि आपके 68 करोड़ 76 लाख के लगभग हमारे यहाँ इंटरनेट उपयोगकर्ता अभी 2020 तक मौजूद हो चुके हैं। अगला हमारा इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें देखिए भारत को फिर से 142वें स्थान पर रखा गया है। किसके द्वारा प्रकाशित है, रिपोर्ट सेंटर फ्रंटियर्स यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसका गठन कब हुआ था, 2002 से जारी किया जाता है इसको। उद्देश्य पत्रकारों के लिए उपलब्ध जन स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। अब ये सूचकांक ना तो सार्वजनिक नीतियों को रैंक करता है और ना ही प्रत्येक दिशा में देश में या क्षेत्र में पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक है, यानी कि ये जो सूचकांक है ये ना तो जर्नलिज्म की गुणवत्ता देखता है, क्वालिटी भी नहीं देखता है, और साथ ही साथ ये पब्लिक पॉलिसीज के बारे में भी बात नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ ये बात करता है कि जर्नलिस्ट को किसी भी देश में कितनी स्वतंत्रता है, जर्नलिज्म की सही खबर देने की कितनी स्वतंत्रता है। तो इसके पैरामीटर क्या है, ये निम्नलिखित पैरामीटर के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है। इसमें पहला है बहुलवाद प्लुरलिज्म, दूसरा है मीडिया स्वतंत्रता मीडिया इंडिपेंडेंस, तीसरी है पर्यावरण और सेल्फ सेंसरशिप एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, चौथा है विधायी ढांचा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, फिर है पांचवा पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर और दुर्व्यवहार एब्यूजेस, यानी कि कितनी धमकियां दी जाती हैं जर्नलिज्म को इस पर देखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जर्नलिस्ट के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी कितनी अवेलेबल है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, उनको कितनी आज़ादी है काम करने की, मीडिया स्वतंत्रता कितनी है, और बहुलवाद प्लुरलिज्म क्या क्या स्कोप है।
तो इन आधार पर ये अपनी सूचकांक जारी करता है। तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, फाइंडिंग्स क्या है इसमें, इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वें स्थान पर, इसकी रैंक 2020 में भी यही थी और 2013 से 2016 से 133वें स्थान पर से ये लगातार नीचे गिर रहा है। यानी कि 2016 में भारत की रैंक 133वीं थी, उसके बाद ये लगातार नीचे गिर रहा है और 2020 और 2021 में दोनों में भारत की रैंक जो है 142वीं स्थान पर है भारत। नेपाल, अब भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है, नेपाल 106वें स्थान पर, श्रीलंका 127, म्यांमार 140, यानी कि म्यांमार से ज़्यादा बुरी स्थिति अभी तख्ता पलट से पहले की बात है, ये 140वें स्थान पर था म्यांमार, और पाकिस्तान 145 पर, बांग्लादेश 152 पर। यानी कि हम खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारी स्थिति बेहतर है, बाकी सबसे बुरी है। अगली न्यूज है, हमारा अगला सूचकांक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। क्या है एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक वार्षिक रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक सूचकांक की एक वार्षिक रिपोर्ट यानी कि एनुअल रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य, रैंकिंग का उद्देश्य नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा संक्रमण की योजना बनाने में सक्षम बनाना। ये क्या करता है, ये एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड नीतियां यानी कि पॉलिसीज सुझाता है हर देश को कि वो कोई पर्टिकुलर देश अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए किस तरह से बेहतर नीतियों का निर्माण कर सकता है। इसमें इसके पैरामीटर क्या है, सूचकांक निम्नलिखित तीन आयामों के आधार पर 115 देशों को रैंक करता है। अब ये तीन आयाम क्या है, तीन इसके डायमेंशंस क्या है, पहला है आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। दूसरा है पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अब इसके प्रमुख निष्कर्ष फाइंडिंग्स क्या है, इस सूचकांक में स्वीडन सबसे ऊपर, इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान। भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 115 देशों में 87वें स्थान पर, भारत की रैंक कौन सी, 87। आगे इसमें विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है। कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। मिशन क्या है, वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडे को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध। अब इसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन कौन सी, पहली है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट। दूसरी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अभी हमने देखी थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तीसरी है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये हमने कल देखा था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हमने देखी थी। चौथा है वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अगला है हमारा वैश्विक स्टेट, वार्षिक स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व मौसम संगठन बल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वार्षिक तौर पर जारी किया जाता है, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट है। तापमान इसने 2020 में रिकॉर्ड तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक था, यानी कि 2020 का जो तापमान था ये पिछले तीन सबसे गर्म वर्षों में इसको माना गया है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के बारे में इसने कुछ रिपोर्ट दी है और इसके बाद इसकी कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये कन्वेंशन अनुसमर्थन द्वारा समर्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। उत्पत्ति कब हुई थी इसकी उत्पत्ति 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद इसे स्थापित किया गया। 193 सदस्य हैं, भारत सदस्यों में से एक है। महत्व क्या है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है हमारा चांडलर सुशासन सूचकांक और लास्ट हमारा आज का ही चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसमें भारत को इसमें 49वां स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है। निजी गैर लाभकारी संगठन है। सूचकांक सरकारी क्षमताओं और परिणामों के संदर्भ में 104 देशों को वर्गीकृत करता है। आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित है, इसमें 7 पिलर्स हैं। 7 पिलर्स कौन कौन से हैं, नेतृत्व और दूरदर्शिता, लीडरशिप एंड फोरसाइट, मजबूत कानून और नीतियां, रोबस्ट लॉज एंड पॉलिसीज, मजबूत संस्थान, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप, आकर्षक बाजार, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन, और लोगों को ऊपर उठाने में मदद करना, हेल्पिंग पीपल राइज। अब इसका कुछ उद्देश्य है कि प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकार कार्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहायता प्रदान करना। अब सूचकांक के मुख्य निष्कर्ष क्या है, शीर्ष 10 देशों में 7 यूरोप के देश हैं। इसमें
लेकिन शीर्ष 10 में 3 महाद्वीप से हैं हमारे। सिंगापुर पहला है एशिया में, न्यूजीलैंड अग्रणी है ओशेनिया में, और कनाडा अमेरिका में सबसे आगे है। यानी कि टोटल जो 10 कंट्रीज हैं उसमें 7 तो कहाँ की हैं, 7 कौन सी हैं, यूरोप की हैं, 7 तो यूरोप की हैं, 1 एशिया की है सिंगापुर, सिंगापुर एशिया में टॉप किया हुआ है। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में किसने टॉप किया है, कनाडा ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में टॉप किया है, और ओशियाना में न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। विश्व बैंक द्वारा परिभाषित शीर्ष 10 देशों में सभी उच्च आय वाले देश हैं, यानी कि शीर्ष 10 देश जो हैं वो सभी हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं। भारत का स्थान कौन सा है, 49वां स्थान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज सूचकांक थे। इसके बाद अगला हमारा पार्ट 3 आएगा, उससे इसी रिपोर्ट और इंडाइसिस से रिलेटेड, और तीसरे और चौथे पार्ट में हम इसको सारी रिपोर्टेड इंडाइसिस को कवर कर लेंगे, इस साल की जितनी भी रिपोर्ट्स थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जैसे कि आपको पता है, हम अभी इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स और साथ ही साथ ज्योग्राफी करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख रहे हैं पिछले एक साल की। तो उसी संदर्भ में आज हम मई 2021 की इंडाइसेस और रिपोर्ट्स कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने सैटरडे में परसों कम्युनिटी पोस्ट में टैब में पोस्ट किया था कि आपको किस विषय पर आगे आने वाले लेक्चर्स चाहिए, करंट अफेयर्स या मॉक टेस्ट। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड है, लगभग 80% स्टूडेंट्स की डिमांड करंट अफेयर्स को लेकर थी। लेकिन हम मॉक टेस्ट वाले जो 20% स्टूडेंट हैं उनको भी निराश ना करते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हम दोनों की डिमांड को फुलफिल कर देंगे, कि अब हम इस तरह सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी, कि जो हम लेक्चर आपको करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराएंगे उसी पर बेस्ड हमारा अगला लेक्चर शाम 5 बजे आपको एमसीक्यू पर मिलेगा। जैसे कि अब हमारा ये जो लेक्चर है आज का मई 2021 के इंडाइसिस और रिपोर्ट्स पर, इसी पर बेस्ड हमारा 5 बजे जो लेक्चर आएगा वो इसी लेक्चर से हम एमसीक्यू 10 बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यू हम फ्रेम करेंगे और उससे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों ही लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आगे आने वाले हमारे सभी लेक्चर्स इसी फॉर्म में चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। आज के लेक्चर में हमें मेनली ये 5-6 टॉपिक्स देखने हैं। ये इंडेक्सेस देखनी है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो आपको जैसे हमने बताया था पहले भी कि हमें रिपोर्ट्स में मेनली 3 या 4 चीज़ें याद रखनी होती है। पहले किस संस्था द्वारा जारी किया गया, उसका गोल क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, तीसरा उसमें भारत की रैंक क्या है, और चौथा उसमें अगर कोई पैरामीटर्स पूछे गए हैं, बताए गए हैं कि किन पैरामीटर्स के आधार पर उस रिपोर्ट को बनाया जाता है या फ्रेम किया जाता है, तो वो पैरामीटर्स हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली रिपोर्ट से, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। देखिए किसके द्वारा जारी की जाती है, ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा, यानी कि यूएन इकोसॉक द्वारा ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को यूएन इकोसॉक द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग ये वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही हो गया कि किसके द्वारा जारी की जाती है। अब इसमें लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना, जो यूएन यूनाइटेड नेशन की स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसके तहत 2030 तक इस योजना को लागू करना है। और ये योजना लागू करने वाला यूएन जो है विश्व स्तर पर पहला असेसमेंट प्रोवाइड करा रहा है। इसका उद्देश्य है रिपोर्ट वनों को संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का अवलोकन प्रदान करती है, यानी कि एक फ्रेम प्रोवाइड करती है। देखिए इसी पर बेस्ड हम इसी लेक्चर पर बेस्ड आपको आज का एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो आपके लिए एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना में 6 वैश्विक वन लक्ष्य और उनसे जुड़े 26 संबद्ध लक्ष्य हैं, यानी कि एफिलेटेड टारगेट्स हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि मेन तो टारगेट 6 हैं और उनके सब टारगेट्स, यानी कि उनको 6 टारगेट्स को 26 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इस तरह इनके टारगेट बनाए गए हैं। अब इसमें वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के निष्कर्ष क्या है कि विश्व वनीकरण को बहाली के माध्यम से वैश्विक वन क्षेत्र को बढ़ाना और उसमें प्रमुख प्रगति करना। अब इसके कुछ आउटकम्स और देख लेते हैं कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को 2017 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन फोरम में एक विशेष सत्र में अपनाया गया था। यानी कि ये जो आइडिया अपनाया गया था ये मेनली 2017 में अपनाया गया था और 2030 तक इसके लक्ष्यों को पूरा करने का इरादा किया गया था, लेकिन इसको फिर से अपडेट किया गया है। अब इस योजना में जैसे कि हमने पहले बताया कि 2030 तक 6 लक्ष्यों में
26 जो एफिलेटेड टारगेट्स हैं, इसके जो टोटल 26 लक्ष्य हैं, यानी कि मेन तो टारगेट 6 हैं, उनके बाकी 26 एफिलेटेड टारगेट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 लक्ष्य हैं इसके, तो उनको 2030 तक कंप्लीट करना है, और ये सभी स्वैच्छिक प्रकृति के हैं, यानी कि वॉलंटरी बेसिस पर हर कंट्री को कुछ अपनी पॉलिसीज बनानी है, वो ये वॉलंटरी बेसिस पर है। यानी कि देखिए, आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ सकती है, यानी कि यूएन के द्वारा ये लक्ष्य जो बनाए गए हैं ये अनिवार्य रूप से लागू होंगे हर देश पर, यानी कि बाइंडिंग है। आपको पता ही होगा, अगर आप यूपीएससी के आपने पहले एग्जाम दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो आपको पता ही होगा यूपीएससी इस तरह का स्टेटमेंट जरूर दे देती है कि ये बाइंडिंग है ये टारगेट्स या फिर वॉलंटरी है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देकर आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। तो ये जो टारगेट्स हैं ये हर कंट्री के लिए वॉलंटरी हैं, यानी कि कंट्री अपनी तरफ से पहल करेगी और इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी कि जिससे फॉरेस्ट कवर उन कंट्रीज में बढ़ाया जा सके। इसमें 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 2030 तक दुनिया भर में वन क्षेत्र को 3% बढ़ाने का लक्ष्य भी शामिल है। यानी कि यहां से क्वेश्चन अगर पूछा, अगर इस इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा तो ये आपको टारगेट जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि वन क्षेत्र बढ़ाने का पूरे विश्व में 3% बढ़ाने का टारगेट रखा गया है 2030 तक, और ये जो 3% एरिया है वो कितना होगा, 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि होगी, जो फ्रांस के आकार के दुगने से अधिक का क्षेत्र है। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की द्वारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है। तो आपसे इस तरह का स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि साल में दो बार आयोजित की जाती है या प्रकाशित की जाती है, या दो साल में एक बार प्रकाशित की जाती है, तो नहीं, ये वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि एनुअल बेसिस पर एक बार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रुझानों में बढ़ोतरी, सड़क परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए ये ड्राइवर्स अपलोड कर बनाता है। भारत के लिए जो इसने निष्कर्ष बताए हैं, इसमें बताया गया है कि भारत की बिक्री का 30% से अधिक 2030 तक इलेक्ट्रिक होगा। यानी कि इस इंडेक्स में ये बताया गया है, ये निष्कर्ष फाइंडिंग्स आई है कि 2030 तक जो भारत की नई जितने भी सेल होगी, जितने भी नए व्हीकल्स की सेल होगी, उसमें 30% शेयर जो होगा, यानी कि 30% सेल जो होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। यानी कि अगर 100 यूनिट्स व्हीकल्स बिकेंगे 2030 तक भारत में, तो उसमें से 30 व्हीकल जो होंगे वो कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रिक होंगे। तो जिस तरह से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोग्रेस देखी जा रही है, उसके आधार पर इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आई हैं। तो इसके बारे में कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर या मैन्युफैक्चरिंग पर, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पर जो दो योजनाएं हैं, फेम 1 और फेम 2, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। फेम 2 योजना क्या है, ये 1 अप्रैल 2015 से इसको लागू किया जाना था, 10,000 करोड़ रुपये की परिवहन के साथ। फेम 2 परियोजना 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार फेम 2 योजना 2019 से कब तक के लिए लागू हुई, 2022 तक के लिए लागू है। आगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1974 में OECD ढांचे के फ्रेमवर्क के तहत, यानी कि OECD ढांचे के फ्रेमवर्क के तहत एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है, अपने सदस्य देशों और उससे आगे के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना, अपने जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए विश्वसनीय, रिलायबल, सस्ती, अफोर्डेबल और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी सुनिश्चित करना। अब इसके फोकस क्षेत्र क्या हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो 4 फोकस क्षेत्र हैं, कौन कौन से, पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और चौथा है दुनिया भर में जुड़ाव, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अब इसके सदस्य, इसके 30 सदस्य और 8 संघ देश हैं, यानी कि 8 यूनियन कंट्रीज हैं और 30 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। भारत 2017 में एक सहयोगी सदस्य बना, और सचिवालय इसका क्या है, कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। तो भारत इसका सहयोगी सदस्य है, 2017 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अगला इंडेक्स है हमारा एशियाई विकास आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। इसके द्वारा जारी किया जाता है, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एशियाई विकास बैंक द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्य देशों पर वार्षिक आर्थिक रिपोर्टों की एक श्रृंखला है, यानी कि ये एनुअल रिपोर्ट्स की एक एनुअल रिपोर्ट्स की क्या है, ये सीरीज है। किन पर, जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक में, बैंक के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील देश हैं, उन पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर एक एनुअल सीरीज, रिपोर्ट सीरीज है।
ये एशिया के विकासशील देशों में आर्थिक और विकास के मुद्दों का विश्लेषण करता है। ये क्या एनालिसिस करता है, ये एशिया के स्पेशली, देखिए यहाँ पर मेंशन है ये कीवर्ड एशिया, एशिया के विकासशील डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशंस में इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज का एनालिसिस करता है। अब भारत के संदर्भ में क्या प्रमुख बिंदु हैं, इसके ने भारत की जो जीडीपी है उसके संदर्भ में ये बताया है, ये रिपोर्ट दी है कि 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत जो है 11% की यहाँ ग्रोथ में की वापसी करेगा, यानी कि ग्रोथ यहाँ पर देखी जाने की संभावना है। और साथ ही साथ 2022-23 में इसकी भारत की जो ग्रोथ रेट है वो इसने अनुमानित कितनी की है, कितनी प्रोडक्शन की है 2022-23 के लिए, 22-23 के लिए 7% का अनुमान लगाया है एडीबी ने। दूसरे अग्रिम अनुमान के वित्त वर्ष 2021-21 में अर्थव्यवस्था के 8% तक अनुबंधित होने की उम्मीद है, यानी कि इसमें 2021-22 में देखिए डायरेक्ट रिपोर्ट से पूछ लिया जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2021-22 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो कितनी अनुमानित की है या प्रिडिक्शन कितनी की है, तो इसने कितनी की है आपकी एडीबी ने, 11% की उम्मीद जताई है भारत की जीडीपी ग्रोथ में। एशियाई विकास बैंक के बारे में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। एडीबी को विश्व बैंक पर बारीकी से तैयार किया गया था, मुख्यालय का है मनीला फिलीपींस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 68 सदस्य हैं और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, यानी कि भारत एक फाउंडिंग मेंबर है, ये चीज भी याद रखिए, फाउंडिंग मेंबर है। एडीबी का आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है, उद्देश्य क्या है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, एशिया पैसिफिक रीजन में सामाजिक यानी कि आपका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अब 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक कौन कौन से थे, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों पहले नंबर पे 15.6% इनका शेयर था, यानी कि आपके जापान और यूएसए का शेयर कितना है 15.6% सबसे ज्यादा, उसके बाद चाइना का 6.4%, उसके बाद इंडिया का कितना है 6.3%, इंडिया तीसरे नंबर पर है और इंडिया चौथे नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया पांचवें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया का कितना शेयर है 5.8% शेयर ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में ये जो राष्ट्र हैं एडीबी से जुड़े हुए उनमें सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो जापान, और दूसरे नंबर पर जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों 15.6 के साथ पहले नंबर पर है, उसके बाद चाइना, फिर भारत। अगर आप टेक्निकल देखें तो टेक्निकली ये तीसरे नंबर पर है भारत। अगला हमारा सूचकांक है, अगला इंडेक्स है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2021, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, किसके द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC द्वारा वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की जाती है। जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है किसके द्वारा की जाती है जारी, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसमें 55 देशों पर रिपोर्ट बनाई गई है। अब इन 55 देशों में जो इकोनॉमी है वो 55 देश ये 97% इकोनॉमी को जीडीपी, इनकी टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 97% इन्हीं 55 देशों में है। अब इस रिपोर्ट में खाद्य संकट के प्रति संवेदनशील देशों में तीव्र खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को दर्शाया गया है, यानी कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है जो भी डेवलप या डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है उनमें जो फूड की जो सिक्योरिटी है, फूड इनसिक्योरिटी या फिर माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई है, तो उस बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है, 2020 में 155 मिलियन से अधिक लोगों ने एक्यूट फूड क्राइसिस का सामना किया और 2019 की तुलना में 20 मिलियन की वृद्धि है, यानी कि 2019 में कितने थे, 2019 में जो फूड क्राइसिस से पीड़ित लोग थे वो 135 मिलियन के आसपास थे, लेकिन वही 2020 में ये बढ़कर कितने हो गए, 20 मिलियन की वृद्धि हो गई, 155 मिलियन हो गए। अब तीव्र खाद्य संकट के स्तर वाले 2/3 लोग 10 देशों में थे, यानी कि जितना भी खाद्य संकट ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया है, यानी कि जितने भी लोग फूड क्राइसिस से पीड़ित हैं या माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसका 2/3 केवल इन 10 देशों में है। कौन कौन से हैं वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मोस्टली वो अफ्रीकन नेशन से, जैसे कि कांगो, यमन तो आपका एशियन कंट्रीज है, अरब कॉन्टिनेंट के अंदर, फिर अफगानिस्तान, ये भी आपका एशियन कंट्रीज आ जाएगा, बाकी आपका सीरिया भी एशियन है, उसके अलावा सूडान, उत्तरी नाइजीरिया, इथोपिया, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे और हेती, ये आपके 3 कंट्रीज, अगर छोड़ दें 4 कंट्रीज, उसके अलावा सारे ही कंट्रीज आपको कहाँ के देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगे। बाकी जो एशियन कंट्रीज देखने को मिलेंगे वो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म की, आतंकवाद की समस्या है। तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी, कि किस तरह आप एलिमिनेशन के थ्रू भी ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि खाद्य संकट से जुड़े जो देश हैं वो ज़्यादातर या तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं या फिर
एशिया की ऐसी कंट्रीज जो आपने देखा ही होगा जहां पर सबसे ज्यादा वॉर चलती रहती है, वॉर क्राइम होते रहते हैं, आतंकवाद से जूझती रहती है, जैसे कि अफगानिस्तान देख सकते हैं आप, यमन देख सकते हैं आप, फिलिस्तीन देख सकते हैं यानी कि इसराइल देख सकते हैं, इसराइल में तो नहीं होगा जो फिलिस्तीन का पार्ट है, वहां पर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, इसी तरह सीरिया है, सीरिया में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी कंट्रीज बाकी एशिया की हैं। इसमें आगे है खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क यानी कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं जो संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में की गई थी। अब इसे संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के लिए यूरोपियन आयोग, यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन यानी कि यूएन का, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा, इन तीन संस्थाओं द्वारा इस संस्था को बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये खाद्य संकट के मूल कारणों से निपटने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता से का संगठन है। इसका उद्देश्य ज्ञान और विश्लेषण के साझाकरण और मजबूत समन्वय के माध्यम से खाद्य संकट से निपटना है। अगली न्यूज है हमारी, अगला हमारा इंडेक्स है विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये खाद्य और कृषि संगठन यानी कि आपका विश्व खाद्य संगठन द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन जिसको वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब ये 1996 से जारी किया जाता है। वैश्विक कृषि जिन्स बाजारों में विकास की निगरानी से में मदद करने के लिए सार्वजनिक वस्तु के रूप में इसे पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सूचकांक जो है, ये इंडेक्स है, ये खाद्य वस्तुओं यानी कि जितने भी फूड आइटम्स की जो बास्केट होती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस की मंथली फ्लक्चुएशन को देखता है। देखिए मंथली फ्लक्चुएशन की ये जांच करता है या असेसमेंट करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये रिपोर्ट किस तरह जारी की जाती है? ये मंथली बेसिस पर इंटरनेशनल मार्केट में फूड आइटम्स में मंथली जो चेंजेस आ रहे हैं उन मंथली चेंजेस को के आधार पर यह रिपोर्ट जारी करता है। अब इसमें 5 कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांक का औसत शामिल होता है, यानी कि इसमें टोटल 5 इसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, जैसे अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन सी होती है? अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, सब्जी, वेजिटेबल्स, फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके बाद मांस यानी कि मीट और उसके बाद आपका चीनी यानी कि शुगर। ये पाँच इसमें क्या होते हैं? इन 5 बिंदुओं के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और ये कब कैसे जारी की जाती है? मंथली बेसिस पर ये फ्लक्चुएशन फूड कम्युनिटीज़ में देखता है। और सूचकांक का आधार क्या है? 2014 से 2016, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 2014 से 16 इसका आधार वर्ष है। अगला हमारा इंडेक्स है प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि आपको पता होगा रेमिटेंसेस से क्वेश्चन जरूर आता है। अभी हाल ही में जो कल संडे में जो यूपी के अंदर GIC लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उसमें GS से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, रेमिटेंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आपके FDI इन्फ्लो से भी क्वेश्चन आते हैं। तो विश्व बैंक, ये किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? सबसे पहले तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसको वर्ल्ड बैंक का कौन सा विभाग जारी करता है? देखिए आपके लिए विभाग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक का एक विभाग है रिपोर्ट माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स DEC द्वारा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये विभाग वर्ल्ड बैंक का एक विभाग है जो विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा है। ये रिपोर्ट साल में 2 बार यानी कि हर आपको सेमेस्टर वाइज ये रिपोर्ट जारी की जाती है, हर 6 मंथ में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इसका लक्ष्य क्या है? रिपोर्ट का उद्देश्य पिछले 6 महीनों में प्रवास और प्रेक्षण, देखिए आपको बताइए हमने अभी बताया कि ये हर 6 महीने में जारी की जाती है, तो जाहिर सी बात है ये हर 6 महीने में क्या देखता है? पिछले 6 महीनों का प्रवास का, माइग्रेशन और रेमिटेंसेस की रिपोर्ट्स ये देखता है और उससे संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर एक अपडेट प्रदान करता है। ये रिपोर्ट विकासशील देशों के प्रेक्षण प्रवाह यानी कि रेमिटेंस फ्लो जो आते हैं बाहर से दूसरे देशों में, जो डॉलर में कमाई होती है उस फ्लो को का ये अनुमान प्रदान करता है। अब भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का देश बन गया है यानी कि ये बन गया है, बल्कि हर साल भारत को ही सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं दुनिया के अंदर। अब भारत के बाद यानी कि इंडिया के बाद कौन है? इंडिया के बाद जो है वो आपका चाइना है,
चाइना, चाइना के बाद आपका मैक्सिको, यह क्रम भी आपको पता होना चाहिए, लगभग पांच तक आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंडिया को रेमिटेंस प्राप्त हुए हैं 2020 में, उसके बाद किसको प्राप्त हुए हैं, उसके बाद प्राप्त हुआ है चाइना को, चाइना के बाद प्राप्त हुआ है आपका मैक्सिको को, मैक्सिको, उसके बाद मैक्सिको के बाद आपका फिलीपींस, और देखिए फिलीपींस बहुत नीचे आ गया इस बार, और उसके बाद फिलीपींस के बाद आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान को रेमिटेंसेस पांचवें नंबर पे सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो फ्रांस है, फिर फ्रांस के बाद आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर रेमिटेंस उन कंट्रीज में जा रहा है, इनफ्लो उन कंट्रीज में हो रहा है जहां पर जो या तो या मैक्सिमम ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं। देखिए वैसे तो चाइना को टेक्निकली डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, उसको डेवलप्ड नेशन माना जाता है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में ही आता है इंटरनेशनल यूएन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनली यूएन के अकॉर्डिंग अभी उसको चाइना को डेवलपिंग नेशंस में ही रखा गया है, जबकि चाइना सही मायनों में देखा जाए तो चाइना एक डेवलप्ड नेशन है। तो अगर आप इस संदर्भ में देखें, यूएन के संदर्भ में, क्योंकि हम यूएन को ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान के चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो मेन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वहां इनफ्लो जो हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही हो रहा है। देखिए इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना दुनिया की नजर यूएन इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपिंग कंट्रीज है, फिर मैक्सिको डेवलपिंग कंट्रीज है, फिलीपीन डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अब यहां पर खाली एक फ्रांस ही है जो आपका डेवलप कंट्रीज है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर डेवलपिंग कंट्री है। तो ज्यादातर जो रेमिटेंस आते हैं वो इनफ्लो जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, और आउटफ्लो कहां से ज्यादा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा होता है। अब भारत के प्रेक्षण, भारत को 2020 में $83 बिलियन से अधिक के रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं। अब 2020 में भारत के प्रेक्षण में यानी कि रेमिटेंसेस में 0.2% की गिरावट आई है। ये क्यों, किस वजह से आई है, संयुक्त अरब अमीरात के प्रेक्षण में यानी कि रेमिटेंसेस में 17% गिरावट के कारण ये गिरावट आई, लेकिन इसकी कमी किसने पूरी कर दी, भारत के लिए अमेरिका ने इसकी कमी पूरी कर दी, अमेरिका से इस बार ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हो गए हैं, तो इसलिए वो जो कमी है वो जो गैप है वो फुलफिल हो गया। 2020 में भारत से प्रेक्षण बहिर्वा, अब ये है रेमिटेंस आउटफ्लो, रेमिटेंस आउटफ्लो जो भारत से हुआ है वो $7 बिलियन का हुआ है कुल। 2019 में कितना था, $7.5 बिलियन। अब प्रेक्षण रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस वो धन है, वो मनी है जो आमतौर पर किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ का आपके परिवार का कोई सदस्य IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद नासा में काम करने लगता है, अमेरिका में नासा में काम करने लगता है, अब वो जाहिर सी बात है वहां पर उनकी जो अर्निंग होगी या उनकी जो सैलरी होगी वो डॉलर में होगी और या किसी भी अदर करेंसीज में होगी, तो वो जब वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने आपके घर पर पैसा भेजेंगे तो वो पैसा किस फॉर्म में आएगा, वो डॉलर के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह डॉलर का इनफ्लो होता है कंट्री में और वो RBI के पास आएगा, RBI उसको कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में रुपया उतने ही कीमत का रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो प्रेक्षक जो होता है यानी कि भेजने वाला, रेमिटेंस भेजने वाला कौन होता है, एक आप्रवासी होता है, इमिग्रेंट होता है, और प्राप्त करता है एक रिश्तेदार घर वापस, जैसे कि आप जिस रिश्तेदार हैं आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपके घर जो आ रहा है तो आप उसके रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से ही बताया गया डिटेल में, प्रेक्षण कम आय वाले और विकासशील देशों में लोगों के लिए आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा और लास्ट इंडेक्स आज का, व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। इसने क्या किया है, 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी से संबंधित रिपोर्ट बनाई है और मानदंडों को अधिसूचित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। अब इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है, यह मौजूदा व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट की जगह लेगा, यानी कि पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सेबी के द्वारा जारी की जाती थी, उसकी जगह पर अब इस रिपोर्ट को बनाया गया है। देखिए ये इसी साल से शुरू हुई है, इसलिए ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी वाले सेक्शन में और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको इस बार रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये भारत की संस्था द्वारा जारी की जा रही है। दूसरी चीज ये है, ये नई शुरू की गई है इस बार से, इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की जगह ली है और ये सेबी द्वारा जारी की जाती है। सेबी हमारे यहाँ बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट संस्था है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसलिए ये रिपोर्ट पता होनी चाहिए। सतत रिपोर्टिंग पर्यावरण यानी कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट, सामाजिक और शासन ECG, सामाजिक और शासन लक्ष्यों का प्रकटीकरण इस और संचार, इस रिपोर्ट के जो पैरामीटर्स हैं इसमें ECG लक्ष्यों की दिशा में कंपनी की प्रगति भी शामिल है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो रिपोर्ट है BRSR क्या है, ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR, ये रिपोर्ट व्यवसायों और नियामक वित्तीय अनुपालनों के परे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसमें कुछ बताया गया है इसके बारे में, ये ESG का एक सीएम अवलोकन करने की व्यवस्था प्रदान करेगी।
इसके बाद जो इसके प्रायोजिता है क्या है, एप्लीकेबिलिटी, ये शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं जो आपकी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं स्टॉक मार्केट में, उनके वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वैच्छिक होगी। देखिए ये जो होगी इसमें रिपोर्ट में उसको अपने आप को मेंशन कराना, अपनी कंपनी को मेंशन कराना जो 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं हैं स्टॉक मार्केट में, सेबी द्वारा लिस्टेड स्टॉक मार्केट में जो 1000 संस्थाएं हैं उनके द्वारा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो ये स्वैच्छिक होगी, वॉलंटरी होगी, लेकिन 2022-23 से ये क्या होगी, ये रिपोर्ट उनके लिए कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी। सूचीबद्ध इकाई लिस्टेड एंटिटी कौन सी होती है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयरों को कारोबार एक आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, यानी कि एक ये लिस्टेड है सेबी द्वारा। बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये कुछ आपकी स्टॉक मार्केट से संबंधित ये कुछ डेफिनेशन है। ये कंपनी के स्टॉक के बकाया शेयरों के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना कंपनी के बकाया शेयरों की कुल संख्या को एक शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य से गुणा करके की जाती है। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा मई 2021 की रिपोर्ट और इंडाइसेस। आज शाम को 5 बजे हमारा इसी लेक्चर पर बेस्ड MCQ का सेशन आएगा, उसे भी देखना ना भूलिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम ज्योग्राफी का आपको नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड हम करंट अफेयर्स का आपको कल शाम में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति IAS। UPSC IAS की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम इंडाइसेस और रिपोर्ट्स का लास्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले कि आपको पता है कि हमने इंडाइसेस और रिपोर्ट्स के लास्ट लेक्चर में पार्ट थर्ड में मई 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जून, जुलाई, अगस्त, जून 2021, जुलाई 2021 और अगस्त 2021, ये तीनों मंथ के करंट अफेयर्स को, इंडाइसेस और रिपोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर कर देंगे। इसके बाद हम आपको एक कंबाइंड लेक्चर जिसमें जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक की सारी इंडाइसेस और रिपोर्ट्स कल आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, कंबाइंड लेक्चर। साथ ही साथ इसके बाद हमारा एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स शुरू होने वाले हैं बाद में, लेकिन जैसे कि आपको पता है हमने जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कराए थे, उसी सीरीज़ में हम आपको जनवरी 2021 के से लेकर अगस्त 2021 के लेक्चर्स कवर कराएंगे। एक या दो लेक्चर में हम ज्योग्राफी के बचे हुए इस साल के करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। और बाकी जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी EPFO के लिए एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में कवर कर चुके हैं, इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स पहले कवर किया है, लेकिन जो मंथ छूट गए हैं यानी कि जुलाई अगस्त के जो मंथ छूट गए हैं हमारे EPFO के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, उन बचे हुए करंट अफेयर्स को पॉलिटी और साइंस एंड टेक के, वो हम आपको अलग से कवर करा देंगे। उसके बाद उन सभी का एक मर्ज वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। पहला है हमारा SDG इंडेक्स 2021, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। ये क्या है, किसके हमारे लिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडेक्स में हमें 3 या 4 पॉइंट स्पेशली याद रखने हैं। पहला, सबसे ज़रूरी, कि किस संस्था द्वारा कोई इंडेक्स जारी किया जाता है। दूसरा, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होता है कि वो किन पैरामीटर्स पर कोई भी इंडेक्स आधारित है। तीसरा, उसका लक्ष्य क्या है। और चौथा, भारत की रैंक क्या है, या अगर वो भारत का ही इंडेक्स है तो भारत के विभिन्न राज्यों की क्या रैंक है, कौन प्रगति पर है और कौन लास्ट पर है। तो इसको, इस इंडेक्स को, ये इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 का तीसरा संस्करण है जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। दूसरी बात ये कि ये सबसे पहले 2018 में जारी किया गया था, यानी कि अब ये तीसरा वर्जन है, इस बार तीसरा वर्जन है। इसको ये संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया था, यानी कि ये UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो कि 2015 से 30 तक के लिए लक्ष्य इनका निर्धारित किया गया है और वो 17 गोल्स में टोटल 169 टारगेट अचीव करना है। तो उन्हीं पर ही आधारित ये इंडेक्स बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रगति 2030 तक टिकाऊ विकास लक्ष्यों, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को यह निर्धारित करता है। यानी कि मेनली ये इंडेक्स सिर्फ ये पता करता है कि जो भारत की प्रगति है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने के लिए, उसमें भारत की स्थिति क्या है, स्थिति कैसी है, और साल दर साल एनुअल बाई एनुअल वो किस पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 115 मात्रात्मक संकेतों के आधार पर, यानी कि जो सिग्नेटरी जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर 16 SDG इंडेक्स को, टारगेट्स को ही कवर करता है। जैसे कि आपको पता है SDG में टोटल 17 टारगेट्स हैं, लेकिन ये किसको कवर करता है, ये केवल 16 को टारगेट को कवर करता है।
इसको 2018 में 62 संकेतकों के साथ, इसमें 13 SDG गोल को कवर किया गया था, और तीसरा इसमें अब इस बार कितना किया गया है, 115 इसमें मात्रात्मक संकेतक हैं और टोटल 16 SDG गोल्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें स्कोर क्या किया जाता है, इसमें 0 से 100 तक का स्कोर डिवाइड किया जाता है, दिया जाता है, यानी कि 0 जिसको मिलेगा, यानी कि जिसकी रैंक 0 के जितनी पास होगी, इसका मतलब यह है उस राज्य का, यहाँ पर भारत के राज्यों के संदर्भ में बात हो रही है, तो उस राज्य का स्कोर उतना ही बुरा है, यानी कि भारत के उस राज्य का स्कोर जिसका स्कोर 0 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो उतना ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, और जिसका स्कोर 100 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें मेनली 4 पैरामीटर्स हैं, इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 4 पैरामीटर्स पर विभाजित किया जाता है। देखिए 0 से जो 49 तक की कैटेगरी है, आप इस तरह याद रख सकते हैं, 0 से 49 तक, ये क्या है, ये आकांक्षी यानी कि एस्पायरेंट राज्य या एस्पायरेंट जिले। दूसरा है प्रदर्शनकारी यानी कि परफॉर्मर में कौन सी कैटेगरी है, जिनके स्कोर 50 से लेकर 64 के बीच में है, तो ये आपको कैटेगरी याद होना चाहिए विद नंबर। आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जा सकता है, आपको एक साइड ये पैरामीटर्स दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड इनका स्कोर दे दिया जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली PCS में तो जरूर पूछे जा सकते हैं। फिर है तीसरा अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर में क्या है, ये 65 से लेकर 99 तक का टारगेट, और जो प्राप्त करता है यानी कि अचीवर, जिसने अचीव कर लिए हैं सारे टारगेट, इसका मतलब उसका 100% स्कोर है, 100 स्कोर है। इसमें क्या हुआ है, देखिए भारत को ओवरऑल जो SDG इंडेक्स है 2021, इसमें 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में 60 से 2020-21 में 66 तक इसका स्कोर हो गया। पहले इसका कितना स्कोर था, यानी कि 60 का मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, यहाँ पर प्रदर्शनकारी परफॉर्मर की कैटेगरी में। अगर ओवरऑल सभी राज्यों की एक ओवरऑल होलिस्टिक बात करें, तो होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलें अगर पूरे इंडिया की, तो उसमें भारत प्रदर्शनकारी परफॉर्मर की कैटेगरी में है। पहले भी परफॉर्मर की कैटेगरी में था 2019 में, और 2021 में भी परफॉर्मर की ही कैटेगरी में, कैटेगरी सेम है, लेकिन सिर्फ स्कोर बढ़ गया है। 2019 में 60 स्कोर था और 2021 में 66 स्कोर है। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 66 वाले का मतलब यह है कि अग्रणी फ्रंट रनर में आ गया है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि 65 से लेकर 99 तक का स्कोर क्या है, फ्रंट रनर। अब ये क्या करता है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ये इन सारी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए इस राज्य में इन सारी सुविधाओं का, बेसिक एमिनिटीज़ का कितना ध्यान रखा जा रहा है, या कितनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है या स्कोर किया जाता है। अब इसमें प्रदर्शनकारी और प्राप्तकर्ता श्रेणी यानी कि परफॉर्मर श्रेणी और अचीवर श्रेणी में कोई राज्य नहीं है। आप देख सकती हैं, हमने जो बात की है यहाँ पर 2021 में जैसे कि 66 स्कोर आया है, तो ये ओवरऑल इंडिया का स्कोर है, यानी कि ये पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में निकाला गया है एक एवरेज स्कोर, तो उसके हिसाब से भारत का स्कोर आया है 66। इसका मतलब भारत अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी की कैटेगरी में आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, अगर राज्यों की कैटेगरी में देखा जाए, राज्यों को सेपरेटली देखा जाए, तो कोई भी राज्य प्रदर्शनकारी और प्राप्तकर्ता यानी कि ना तो कोई पूरा 100 स्कोर किसी राज्य को मिला है, और ना ही प्रदर्शनकारी यानी कि परफॉर्मर का जो कैटेगरी में कोई आया। परफॉर्मर की कैटेगरी कौन सी है, 50 से लेकर 64 वाली, इस कैटेगरी में भी कोई नहीं है, और अचीवर वाली में तो कोई हो ही नहीं पाएगा। फिर अग्रणी श्रेणी में लगभग 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, और प्रदर्शनकारी श्रेणी और 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में है परफॉर्मर की। अब है राज्यवार प्रदर्शन देख लेते हैं। इसमें केरल में जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि केरल का स्कोर सबसे ज़्यादा 75 अंकों के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है, यानी कि ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने 74 के स्कोर के साथ प्रदर्शन किया, यानी कि आप ये भी देखिए, ये भी पता होना चाहिए आपको, सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, यानी कि केरला दूसरे नंबर पे, आपके पहला है केरला और दूसरे नंबर पे हिमाचल, और तमिलनाडु दोनों का स्कोर कितना है, 74। अब बिहार, झारखंड, असम, ये SDG इंडेक्स में सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। तो ये तो आपका एकदम अंडरस्टूड है कि बिहार आपका, झारखंड और असम, ये तीनों क्या है, BJA, ये क्या है, या अजीब से आप याद रख सकते हैं, AJB। तो ये असम, झारखंड और बिहार, तो ये सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 79 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर बनाए रखा, यानी कि देखिए अगर आपसे केंद्र शासित राज्य या आप जो फुल फ्लैज राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके बारे में सेपरेटली पूछा जाए तो फुल फ्लैज राज्यों में केरल ने टॉप किया है, और अगर केंद्र शासित यूटी की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है चंडीगढ़ का स्कोर कितना है, 79, जबकि केरला का कितना है, 75। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया के स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ ने 79 का स्कोर प्राप्त किया है, ये केरला से भी आगे है। इसके बाद दिल्ली का स्थान है 68 अंकों के साथ। फिर सबसे अधिक सुधार किस में हुआ, आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है किसकी कैटेगरी में आया, किन राज्यों में आया, मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड,
इन्होंने 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में 2020-21 में सर्वाधिक सुधार हुआ है, यानी कि मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिजोरम, फिर आपका हरियाणा और फिर आपका नॉर्दर्न हिली स्टेट्स में उत्तराखंड, ये तीन जो है राज्य हैं MHU, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। दूसरा जो है, दूसरी इंडेक्स हमारी विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट, वैसो रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जिसे शॉर्ट में वैसो कहते हैं, वैसो रिपोर्ट 2021। तो आपको सबसे पहला वही फैक्ट कि क्या किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा जो जॉब लॉस हुआ है, इकोनॉमिक रिसेशन है हर कंट्री में, तो यहाँ इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह सकता है, आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है कि ये ILO द्वारा इसको इंडेक्स को जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट बेरोजगारी, श्रम का कम उपयोग यानी कि लेस यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, गरीबी, आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी और श्रम और आय का शेयर, यानी कि लेबर का और उसकी इनकम का जो शेयर है जेंडर के बीच, वो भी इन सारे मुद्दों पर ये विश्लेषण करता है और ये निर्दिष्ट करता है कि COVID-19 के संकट से कमज़ोर श्रमिकों को, यानी कि इसके बारे में बताया गया है। इसने आगे अपनी कुछ सलाहें भी दी हैं, इसमें देख लेते हैं इसके जो की फाइंडिंग्स हैं। 2022 में 23 मिलियन तक बेरोजगारी होने से पहले, अब इसमें बताया गया है, देखिए 2022 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 23 मिलियन तक पहुंच सकता है, लेकिन वो इससे पहले 2021 में कितना आंकड़ा, इस टाइम 75 मिलियन इसने आंकड़ा बताया है, जो कि लोग दुनिया भर में बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी पर 2022 में 205 मिलियन लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि टोटल जो बेरोजगारी हो जाएगी 2022 में वो कितनी बताई है इन्होंने, 205 मिलियन, यानी कि एक्स्ट्रा 23 मिलियन लोग और बेरोजगारी में ऐड हो जाएंगे, बेरोजगार लोगों में ऐड हो जाएंगे। और यानी कि अभी कितना है, अभी इस बार खाली 2021 में ही 75 मिलियन इसमें ऐड हो गए हैं। नवनिर्मित नौकरियों की गुणवत्ता विकसित होने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, ये उभरती जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें इकोनॉमिक रिसेशन की संभावना देखी जा सकती है, तो कुछ उसके बारे में ये फैक्ट बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो कितना था, 108 मिलियन ओवरऑल वर्ल्ड में 108 मिलियन था, जो कि बढ़कर 2022 में 205 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। आगे इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में देख लेते हैं, ये 1919 में बनाया गया था, वर्साइल्स की संधि के हिस्से के रूप में, ये वर्ल्ड वार वन के बाद ये वर्ल्ड वार वन को ख़त्म करके बनाया गया था। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनाई, 1946 में ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना, ये त्रिपक्षीय संगठन है, त्रिपक्षीय कैसा, यानी कि ट्राई लेटरल कैसा होता है, जिसमें कार्यकारी निकायों में सरकार यानी कि गवर्नमेंट के जिसमें शेयर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, साथ ही एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और श्रमिकों के यानी कि आपकी लेबर पार्टीज या लेबर यूनियंस होगी, ये तीनों की जगह तीनों को एक साथ लेकर चलता है, यानी कि ये ट्राई लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य क्या हैं, भारत कुल 187 सदस्य राज्यों के साथ ILO का संस्थापक सदस्य है। 2020 में भारत ने ILO के शासी निकाय जो कि गवर्निंग बॉडी है उसकी अध्यक्षता की थी 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर ही इसने इसकी अध्यक्षता भी की है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार ILO। फिर इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगली न्यूज़ हमारी, अगला इंडेक्स है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। देखिए ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा जारी की जाती है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब इसने क्या किया है, COVID-19 के बाद के लेटेस्ट आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। इसमें 2021 के लिए पूर्ण वर्षीय बजटीय दृष्टिकोण अनुमान शामिल है, पूर्ण वर्षीय दृष्टिकोण अनुमान। अब इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, वैश्विक ऊर्जा निवेश 2021 में 20 की तुलना में लगभग 10% के निवेश के साथ 1.99 ट्रिलियन लक्ष्य का इसमें निर्धारित किया गया है, कि जो कि 2020 की जो 2020 में COVID-19 की वजह से पूरी इकॉनमी बंद थी, क्लोज थी, इसकी वजह से जो गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट में, उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए अब जो है 1.9 ट्रिलियन टारगेट रखा गया है, यानी कि 10% इसमें इंक्रीमेंट का टारगेट रखा गया है इन्वेस्टमेंट में, वैश्विक ऊर्जा निवेश में, यानी कि एनर्जी के अंदर एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर 10% का ओवरऑल वर्ल्ड में टारगेट रखा गया है। अब इसमें तेल में निवेश लगभग 10% बढ़ने की उम्मीद है। अब शुद्ध शून्य योजना यानी कि नेट जीरो प्लान, ये क्या है, नेट जीरो प्लान, शुद्ध शून्य योजना की प्रतिबद्धता, इसमें कुछ इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं। अगली इंडेक्स है हमारा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20, ये क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया गया है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए और फुल फ्लेज स्टेट्स के लिए। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है 2019-20। अब ये किसके द्वारा जारी, जैसे हमने आपको बताया स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2 सेल के द्वारा ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत।
प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा, देखिए याद रखिए ये स्कूल एजुकेशन के बारे में है, ना तो आपका हायर एजुकेशन के बारे में या ना ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, स्कूल एजुकेशन की स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने का एक साधन है। देखिए इन्हीं की पॉइंट्स पर यूपीएससी फोकस करती है, ऐसे ही की पॉइंट्स पर, क्योंकि हम एक बार सरसरी नज़र में पढ़ते हुए इसको स्किप कर जाते हैं और इतना इसको ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो यूपीएससी को ये चीज़ पता है कि आप सरसरी नज़र से पढ़ते हुए सिर्फ एक रीडिंग मारेंगे और वो यही की पॉइंट्स उठाकर दे देगी कि माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर, तो आपको पता होना चाहिए स्कूल शिक्षा के स्तर पर स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने का एक साधन है, ये महत्वपूर्ण प्रेरक इसमें शामिल है। आगे इसके मापदंड यानी कि इसके पैरामीटर्स क्या है, देखिए ये दो सूचकांक जो है दो श्रेणियों में संरचित है, पहला है परिणाम और शासन, शासन और प्रबंधन, परिणाम और शासन, और दूसरा है प्रबंधन यानी कि आउटकम एंड गवर्नेंस, और दूसरा मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग इसमें श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं। इन श्रेणियों में 1000 के कुल भार के साथ 70 संकेतकों का एक सेट शामिल है, यानी कि टोटल वेटेज कितना है इसमें 1000, ये कुल भार के साथ ये शायद 100 होगा, और इसमें 70 संकेतक हैं, 70 इंडिकेटर्स हैं। अब ये संकेतक कौन कौन से हैं, सीखने का परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स, पहुँच एक्सेस, इन्हीं के अंतर्गत इनकी जो सब कैटेगरी हैं वो टोटल 70 हैं। ये टोटल वैसे तो मेनली 5 पैरामीटर हैं, ये 5 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। पहला है सीखने के परिणाम लर्निंग आउटकम्स, पहुँच एक्सेस, तीसरा है बुनियादी ढांचा सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, चौथा है समानता यानी कि इक्विटी, और पांचवा है शासन और प्रबंधन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये इसके 5 पैरामीटर्स हैं। आगे देखते हैं इसमें डेटा, ये सूचकांक एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, मध्य दिवस भोजन यानी कि मिड डे मील, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और शगुन पोर्टल, ये सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड पोर्टल और वेबसाइट्स हैं, इनसे निकाले गए सभी, इसको स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इनको बनाया जाता है। आगे इसमें ये सबसे पहले 2019 में 2017-18 के संदर्भ वर्ष के साथ यानी कि बेस ईयर या रेफरेंस ईयर के साथ इसको जारी किया गया था। कब सबसे पहले कब जारी किया गया, 2019 में। इसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की स्कूली शिक्षा की प्रदर्शन के लिए ये एक मापदंड है या इंडेक्स है। अब इसके की फाइंडिंग्स क्या है, इसमें पंजाब ने उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है यानी कि इसमें टॉप रैंक किसने हासिल की है, पंजाब ने। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम रट लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे केरला से धोखा खा सकते हैं। पंजाब ने सूचकांक में उच्चतम स्कोर दर्ज किया जिसमें कुल 1000 में से 929 का स्कोर किया है, और 2020 में 769 में से एक बड़ा सुधार है, यानी कि इसका 2020 में सुधार जो स्कोर था वो 769 था, और एकदम अचानक इसका 2021 में कितना स्कोर हो गया है, 929। पंजाब, तमिलनाडु और केरल ने 2019-20 के सूचकांक में 90% से अधिक स्कोर किया है, यानी कि इन तीनों का ही स्कोर 900 से ऊपर है, 1000 में से 900, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये सूचकांक कितने पर जारी किया जाता है, 1000 नंबर पर या 1000 के कुल वेटेज पर जारी किया जाता है 70 संकेतकों के साथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात दूसरे से 8वें स्थान पर आ गया है, यानी कि पिछले इंडेक्स में 2020 वाले में गुजरात कहां पर था, गुजरात था दूसरे स्थान पर, अब ये आ गया है 8वें स्थान पर, यानी कि 6 स्थानों की इसमें गिरावट आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्कोर में गंभीर गिरावट आई है, और दोनों राज्यों में एक समग्र प्रदर्शन में गिरावट आई है जो इंडेक्स के पिछले संस्करण की तुलना में बुरा प्रदर्शन था। अगला हमारा इंडेक्स है वैश्विक जीवत्ता सूचकांक, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ऑकलैंड, वहाँ पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ये ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सूचकांक उन स्थानों को आकलन करता है जो दुनिया भर में सबसे अच्छी और सबसे खराब रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, लिवेबिलिटी यानी कि रहने की सुगमता, लिवेबिलिटी यानी कि रहने की सुगमता, किसी स्थान पर किसी देश के किस जिले में कितनी रहने की सुगमता है, कितनी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हैं, और वो स्थान कितना सस्ता है या कितना यानी कि वो कितना चीप है रहने के हिसाब से, या फिर कितना महंगा है वो कॉस्टली है, तो ये इंडेक्स सिर्फ यही इस बारे में ही बताता है। अब इसमें इंडेक्स के मापदंड क्या है, ये सूचकांक 30 से अधिक गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव कारकों को ध्यान में रखता है। 5 व्यापक श्रेणियों में ये इसके पैरामीटर्स हैं। इसके पैरामीटर्स कितनी श्रेणियों में, 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है स्थिरता, इसको स्टेबिलिटी, इसका वेटेज कितना है, 25% वेटेज है स्टेबिलिटी का। दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, यानी कि उस शहर में स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सिस्टम कितना कैसा है, अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा है प्रॉपर एकदम तो उसको 20% वेटेज मिलेगा हेल्थ सिस्टम के आधार पर। वहाँ की संस्कृति और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट कैसा है और कल्चर कैसा है, इस आधार पर किसी ज़िले को किसी शहर को 25% वेटेज दिया जाता है। शिक्षा के आधार पर 10% यानी कि अगर फुल लिटरेसी रेट 100% के आसपास तो वहाँ पर 10% वेटेज उसका मिलेगा। और फिर बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आने जाने की परिवहन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो इस आधार पर 20% वेटेज दिया जाता है। तो ये टोटल की ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती है, 100%, 25-20-45 और 45-20, 45-50
25 70 और 30 10 80 दो 20 100, तो ये 100% का टोटल वेटेज है, ये पांच कैटेगरी में डिवाइड है। अब इसमें देख लेते हैं आगे इनका स्कोर। इसमें नए संकेतक महामारी के बाद, जैसे देखिए कोविड 19 के बाद इसमें अलग से भी कुछ पैरामीटर्स जोड़े गए हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल साधनों पर तनाव के साथ साथ स्थानीय खेल आयोजन, थिएटर, संगीत समारोह, रेस्टोरेंट और स्कूलों के आसपास प्रतिबंध शामिल है। अब स्कोर क्या है, एक शहर में प्रत्येक कारक को तीन स्कोर तरह तीन आधार पर जो स्कोर प्रदान किया जाता है। पहला है स्वीकार्य, यानी कि एक्सेप्टेबल, यानी कि वहाँ पर लोगों को कितना वहाँ का खर्च वहन करना जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर देखा जाता है। दूसरा सहनीय, टोलरेबल, यानी कि वो शहर कितना टोलरेबल है। तीसरा असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल। और चौथा है वांछनीय, सॉरी अवांछनीय या असहनीय, अनडिजायरेबल और इनटोलरेबल के रूप में दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर ये इन चार पैरामीटर्स के आधार पर उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स पाँच है, जैसे कि हमने आपको बताया, स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर सिस्टम, संस्कृति और पर्यावरण, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, शिक्षा, एजुकेशन और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन पाँच कैटेगरी के आधार पर, इन चार पैरामीटर्स के आधार पर इन चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है किसी भी शहर को। अब जो जितने भी फैक्टर वाइज स्कोर होता है, फैक्टर वाइज स्कोर के आधार पर उसे संकलित और भारित किया जाता है, यानी कि वेट दिया जाता है। और स्कोर जो होता है एक से लेकर 100 के बीच में होता है। जहाँ पर स्कोर जितना एक के पास होगा, इसका मतलब वो शहर उतना ही असहनीय है, यानी कि रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ की जो दशा है वो रहने लायक नहीं है। और स्कोर अगर 100 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो शहर उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है और वहाँ पर लोग उतनी ही ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हैं। अब इसके आधार पर लोग स्कोर देख लेते हैं। देखिए शीर्ष पांच रहने योग्य शहर, सबसे पहला है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का, जिस जहाँ से ये जारी किया जाता है। ओसाका जापान का, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड और टोक्यो जापान। देखिए शुरू टॉप फाइव कंट्रीज़ में दो जापान की हैं और दो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, पहले नंबर पे ऑकलैंड और चौथे नंबर पे वेलिंगटन, चौथे नंबर पे और पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे किसकी है, जापान की कंट्री। कौन कौन सी, दूसरे नंबर पे ओसाका और पांचवें नंबर पे है टोक्यो और तीसरे नंबर पे है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। अंतिम पांच ना रहने योग्य शहर को कौन कौन से हैं, दमिश्क सीरिया, लागोस नाइजीरिया, पोर्ट मेरसबी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी आप देखेंगे कि ये वही ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ढाका बांग्लादेश और अल्जीरियस अल्जीरिया में, ये अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। इसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अगली न्यूज़ है हमारी, अगला इंडेक्स है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक स्वीडिश जो है थिंक टैंक है, सिप्री, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहा जाता है। इसने अपनी ईयरबुक 2021 जारी की है। अब ये क्या बताता है, सिप्री क्या बताता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो इंडेक्स जारी करता है वो सिर्फ ये बताता है कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में खाली अपना आंकड़े प्रदर्शित करता है। तो इसमें बताया गया है दो भारत के पास जो है दो अनुमानता, यानी कि ये एक पॉसिबल एस्टिमेट होता है, एक पॉसिबल रफ आइडिया होता है। 2021 में भारत के पास बताए गए हैं कि लगभग 156 न्यूक्लियर वेपन है, जबकि पाकिस्तान के पास 165 हैं, जो कि 2020 में पाकिस्तान के पास 160 थे न्यूक्लियर वेपन्स और अब बढ़कर 165 हो गए हैं। चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2020 की शुरुआत में 320 से अधिक बढ़कर 350 वॉरहेड शामिल हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि सभी कंट्रीज़ में जो न्यूक्लियर वेपन्स की मात्रा है वो बढ़ रही है, जैसे कि चाइना में 2020 में 320 थे और वो अब बढ़कर कितने हो गए, 350। इसी तरह पाकिस्तान में 2020 में 160 थे, वो बढ़कर हो गए 165। और इंडिया के पास लगभग 156 परमाणु हथियार हैं। देखिए 9 परमाणु सशस्त्र राज्य कौन कौन से हैं, USA आपका सबसे पहले, अमेरिका, फिर है आपका रशिया, फिर है आपका UK। देखिए परमानेंट फाइव जो P5 कंट्रीज हैं उनके पास तो सभी न्यूक्लियर पावर है, वो UK है, फिर आपका फ्रांस आ जाता है, फिर आपका चाइना है, फिर आपका इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान और इसराइल और उत्तर कोरिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया, स्टॉकहोम जैसे रूस और USA के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या है, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष आयुध यानी कि आपके जितने भी बम हथियार होते हैं, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। अगली न्यूज़ है हमारी, द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, गिविंग का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, गिविंग का मतलब किसी चीज़ को देना, कुछ देना, किसी को कुछ देना। तो यहाँ पर देने से मतलब यह है कि दान, डोनेशन। तो कौन सा देश या किस देश के लोग सबसे ज़्यादा दान देने में इच्छुक होते हैं या आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यह उसी से रिलेटेड इंडेक्स है, द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। सबसे पहले ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स
एक वार्षिक रिपोर्ट है जो चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की जाती है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत दुनिया के 14वें सबसे धर्मार्थ देश के रूप में स्थान इसने प्राप्त किया है। देखिए इंडिया का जो अभी हाल ही में स्थान आया है वो कौन सा है, 14वां, यानी कि 14वां भारत का जो स्थान है 14वां, ये बताता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ट्रस्टीशिप में लोग विश्वास रखते हैं, दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। 14वां ऐसा भारत जो है 14वां दुनिया का ऐसा देश है 14वें नंबर पर। पहला संस्करण इसका सितंबर 2010 में जारी किया गया। ये दुनिया के 140 से अधिक देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि वो कितने धर्मार्थ हैं, यानी कि कितने ट्रस्टीशिप हैं, यानी कि ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब कोई संस्था या न्यास को दान देना, या किसी लोगों को या गरीबों को दान देना, या ज़रूरतमंद को मदद करना या दान देना। अब देखिए WGI जो है आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ये एक वैश्विक सर्वेक्षण है, यानी कि ये वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे है। लोगों से 3 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला, क्या आपने पिछले महीने किसी अजनबी या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे आप नहीं जानते या जिसे मदद की ज़रूरत है, पहला प्रश्न का ये होता है। दूसरा, धर्मार्थ के लिए पैसा दान किया। तीसरा, अपना समय किसी संगठन के लिए स्वेच्छा से दिया, यानी कि आपने किसी की वॉलंटरी हेल्प की। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पैसा ही दे, हो सकता है आपने हाथ पैरों से यानी कि फिजिकली किसी को कोई मदद की हो, किसी की सेवा की हो। तो ये भी इस इनके सर्वे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको भी दान देने की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये सूचकांक देशों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मापता है, ना कि वे कितना दान देते हैं। वो जनसंख्या, देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पर ये मापा जाता है। इसका जो आधार है वो पॉपुलेशन है, ना कि वो डोनेशन की वैल्यू को ये नहीं नापता है। वो नापता है कि कितने लोगों ने दान दिया, वो लोगों की जनसंख्या के हिसाब से देखता है। अब यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन जो है, ये चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, अगला जो हमारा इंडेक्स है वो है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस ईयरबुक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक वार्षिकी। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये प्रबंधन विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा संकलित किया जाता है। इसको पहली बार 1989 में प्रकाशित किया गया। भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा, यानी कि ये पिछले 2020 में भी 43वें स्थान पर था और अब 2021 में भी 43वें 43rd रैंक पर मौजूद है। अब विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्धात्मक पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है। अब इसके कारक देख लेते हैं। देखिए ये 4 कारकों पर 334 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड की जांच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को मापता है। पहला है आर्थिक प्रदर्शन, यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। पहला क्या देखता है, ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखता है। दूसरा है सरकार की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट देखता है। तीसरा है व्यापार दक्षता, यानी कि आपका बिजनेस या ट्रेड की एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड और बिजनेस। और फिर आधारभूत संरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके निष्कर्ष क्या हैं, की फाइंडिंग्स क्या आई हैं। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है इसमें, स्वीडन दूसरे पर और डेनमार्क तीसरे पर, नीदरलैंड चौथे पर, यानी कि स्विट्जरलैंड के अलावा बाकी जो 3 कंट्रीज हैं वो कहाँ की हैं, आपकी नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं। नॉर्वेजियन जो आपको पता होगा नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड इत्यादि, ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो ये 3 बाकी इसमें, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर और नीदरलैंड चौथे पर। ये इसके साथ विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में क्षेत्रीय ताकत प्रदर्शित करते हैं। अब शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, एशिया में जो शीर्ष पर है वो सिंगापुर है, और ओवरऑल सिंगापुर कौन से स्थान पर है, 5वें नंबर पर, 5th रैंक पर। दूसरा है हांगकांग दूसरे नंबर पर है एशिया में, और ओवरऑल कौन से नंबर पर है, 7th रैंक पर। ताइवान कौन से पर है, ताइवान है 8वीं रैंक पर और ओवरऑल 3rd नंबर पर। और चाइना है 4th नंबर पर ओवरऑल, और 14th नंबर पर एशिया में, और ओवरऑल 16वें नंबर पर, 16th रैंक पर। अब ब्रिक्स देशों में राष्ट्रों में भारत की जो तुलना है वो कैसे है, भारत जो है 43वें स्थान के बाद पहला स्थान चाइना का है 16वां, चाइना सबसे पहले स्थान पर है ब्रिक्स देशों में। दूसरे नंबर पर है इंडिया 43rd, इसके बाद आता है रशिया 45वें स्थान पर 45, इसके बाद आता है आपका ब्राज़ील 57वें स्थान पर, और इसके बाद आता है अफ्रीका 62वें स्थान पर। तो हमारे ब्रिक्स देशों में हमारा चाइना के बाद दूसरा स्थान है। अगली न्यूज़ है हमारी, वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है। देखिए ये 2021 का जो संस्करण है वर्ल्ड पीस इंडेक्स का, ग्लोबल पीस इंडेक्स का, ये 15वां संस्करण है, यानी कि ये 15th वर्जन है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEEP अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। उद्देश्य क्या है, सूचकांक शांति के रुझानों का सबसे व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, शांति के स्तर के अनुसार देशों को रैंक करता है और शांति के संभावित निर्धारकों की पहचान करता है। इसमें आगे देखेंगे हम कवरेज इसका क्या है।
ये 163 देशों और क्षेत्रों की शांति को मापता है। इसमें दुनिया की 99.7% यानी कि लगभग 100% आबादी इसमें शामिल है। अब इसमें क्या क्या शामिल है इसके संकेतकों में? सूचकांक अत्यधिक सम्मानित स्रोतों में से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों से बना हुआ है। इन संकेतकों को 3 प्रमुख डोमेन में बांटा गया है, यानी कि इसमें 23 टोटल पैरामीटर्स हैं जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के हैं, और इन संकेतकों को 3 पैरामीटर्स पर बांटा गया है। पहला है जो चल रहा है संघर्ष या ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, सुरक्षा और रक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी, और तीसरा है सैन्यक्रम यानी कि मिलिटराइजेशन। इन तीन आधारों पर 23 संकेतकों के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। अब इसके की फाइंडिंग्स क्या है? इसमें आइसलैंड जो है शांति सूचकांक में सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे पीसफुल कंट्री किसे माना गया है? पीसफुल कंट्री जो है वो है आइसलैंड। इसके बाद आता है आपका न्यूजीलैंड, फिर आता है डेनमार्क, फिर पुर्तगाल यानी कि पोर्तुगीज जो कि इस आपका स्पेन से लगा हुआ है, इसका ये स्थान है। सबसे पहले आइसलैंड है, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड, फिर आता है आपका डेनमार्क, और फिर आता है पुर्तगाल। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान दिया गया है, यानी कि बिल्कुल 163 देशों में 135वां स्थान, यानी कि बहुत बुरी हालत है भारत की। ये आप देख सकते हैं रैंकिंग, ये ब्रिक्स देशों की है, इसमें ये सॉरी ब्रिक्स की नहीं है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क कंट्रीज़ की है। भूटान की 22वीं रैंक है, नेपाल 85 रैंक, और आपका इसमें 2 अंकों का गिरावट हुई है भूटान में, और नेपाल में भी 2 अंकों की गिरावट आई है इसकी रैंक में। एक बांग्लादेश का 7 अंकों का इसमें उछाल आया है, यानी कि बांग्लादेश ने 7 अंकों का सुधार किया है और 91 रैंक आ गई है। पहले इसकी 2020 में कौन सी रैंक थी? 98 रैंक थी। इसमें 19 अंकों की गिरावट आई है श्रीलंका की रैंक में 19 अंकों की गिरावट आई है, और अब ये 95 स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंक 135, जो कि 2 अंकों का जिसमें सुधार हुआ है, पहले इसकी रैंक थी 137। पाकिस्तान 150वीं रैंक, इसमें 2 अंकों का और सुधार हुआ है, पहले इसकी रैंक थी 152। और अफगानिस्तान 163rd, इसको अफगानिस्तान को पहली बार इसमें शायद शामिल किया गया था, अब इसकी रैंक चेंज हो गई है। अगली न्यूज़, अगला इंडेक्स है हमारा हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की जाती है? खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हंगर हॉटस्पॉट एक जो इंडेक्स है उसको अगस्त से नवंबर 2021 में नाम से एक रिपोर्ट जारी की। किसके द्वारा जारी? खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा हंगर रिपोर्ट जारी की जाती है। ये उन देशों और स्थितियों का एक पूर्व चेतावनी विश्लेषण करता है जहां जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, यानी कि हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह है जो कि खाने के मामले में जहां पर भुखमरी की आने वाले दिनों में भुखमरी की कंडीशन या खाद्य सुरक्षा फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन पैदा हो सकती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है? ये अगले तीन महीनों में 23 वैश्विक हॉटस्पॉट देशों में भूख पड़ने की आशंका बताता है, यानी कि ये अगले 3 महीनों में प्री ये क्या करता है? फोरकास्टिंग करता है, यानी कि ये बताता है या प्रेडिक्शंस करता है, पहले ही 3 महीनों में, अगले 3 महीनों का बता देता है कि अगले 3 महीनों में किन किन देशों में भुखमरी की कंडीशन पैदा हो सकती है या फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन पैदा हो सकती है। ये विनाशकारी स्थितियों के लिए उच्चतम अलर्ट इथोपिया के टिग्रे क्षेत्र, इथोपिया का जो टिग्रे रीजन है जिसके बारे में हमने ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा की थी, उसमें ये उसको उसने नाम इसमें आया है, शामिल हुआ है दक्षिणी मेडागास्कर, यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया। देखिए आप ये देखेंगे कि ये ज़्यादातर वेस्ट एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर ज़्यादातर सिविल वॉर की कंडीशन या गृह और टेररिज्म की कंडीशन से व्यस्त रहते हैं। अब खाद्य और कृषि संगठन, ये UN की एक विशेष एजेंसी है, भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस इसके द्वारा मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। आगे इसमें, ये रोम इटली में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है। विश्व खाद्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? यह 1961 में UN के द्वारा विश्व में भूख को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2030 तक भूख समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी नो हंगर की टारगेट रखा गया है। 2030 तक भूख को ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है। आगे देखते हैं हम, अगला इंडेक्स है हमारा जीवन की गुणवत्ता सूचकांक, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, वृद्धों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक। इसको इंडिया में जारी किया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स जारी किया गया है। स्पेशली वृद्धावस्था के लोगों के लिए, एल्डरली या ओल्ड एज पर्सन के लिए ये जारी किया गया है, सबके लिए जारी नहीं किया गया। इसमें
प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा सूचकांक बनाया गया है। ये ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डालता है जिसका अक्सर उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे बुजुर्गों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। भारतीय राज्यों में उम्र बढ़ने के जो क्षेत्रीय पैटर्न है, ये उसकी पहचान करता है। भारत में समग्र उम्र बढ़ने की स्थिति का आकलन करता है। देखिए, ये तीन मुद्दों को उजागर करता है। पहला, जो बुजुर्गों के सामने यानी कि एल्डरली पीपल हैं, उनके सामने जो अपने उनके जीवन में समस्याएं आती हैं उसका आकलन करता है। दूसरा, ये ऐसे राज्यों को निगरानी करता है या रेगुलेट करता है जहाँ पर जो एवरेज एज है, जो आपकी एवरेज जो है एक आयु जो है एवरेज आयु, वो उसका वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है। और तीसरा, ये ओवरऑल इंडिया की भी एवरेज एज जो है उसकी बढ़ती हुई आयु का आकलन करने का असेसमेंट करता है। ये सूचकांक इसमें चार स्तंभ शामिल हैं। पहला, वित्तीय कल्याण, फाइनेंशियल वेलबींग, यानी कि उन बुजुर्गों की जिनका आकलन किया जा रहा है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। दूसरा है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलबींग कैसी है, यानी कि उनको समाज में एक्सेप्ट किया जा रहा है उनके घर वालों के द्वारा या उनके पड़ोस के द्वारा। तीसरा है स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ सिस्टम, उनके आसपास का हेल्थ सिस्टम कैसा है और उनकी खुद की हेल्थ कैसी है उन बुजुर्ग लोगों की, ये उसको जांचता है। और चौथा है आय सुरक्षा, यानी कि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की इनकम इनसिक्योरिटी पैदा ना हो, इसलिए इन इनकम सिक्योरिटी के बारे में भी जांच करता है। अब इन चार पैरामीटर्स को 8 सब पैरामीटर्स में बांटा गया है। ये 8 सब पैरामीटर्स कौन से हैं? आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, शैक्षिक प्राप्ति और रोजगार, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक स्थिति सोशल स्टेटस, शारीरिक सुरक्षा फिजिकल सिक्योरिटी, बुनियादी स्वास्थ्य बेसिक हेल्थ, मनोवैज्ञानिक भलाई साइकोलॉजिकल वेलबींग, सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी, और पर्यावरण को सक्षम बनाना इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये सारे इसके 8 सब पैरामीटर्स हैं और स्पेशली आपके लिए ये 4 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं याद रखना, वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा। आगे इसमें इसके की फाइंडिंग्स यहाँ देखिए, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2001 में लगभग 7.5% से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5% और 2050 में 19.5% से अधिक होने की उम्मीद है। यानी कि अगर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से देखा जाए, सोशल फैक्टर से देखा जाए, तो भारत में ये बताया गया है कि 2001 के सेंसस के अनुसार जो भारत में बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या थी वो थी 7.5%, जो कि 2026 तक लगभग कितनी होने की उम्मीद है? 12.5%, और 2050 तक ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 19.5%। यानी कि हमारा देश जो है यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या यानी कि डिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अब राजस्थान वृद्ध राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्कोरर है, यानी कि ओवरऑल अगर एवरेज एज देखी जाए तो राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एवरेज एज सबसे ज़्यादा है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ 5 मिलियन से अधिक की बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और सभी केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ पर हैं? मिजोरम में है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग किस यूनियन टेरिटरी में है? चंडीगढ़ में। तो ये इसकी कुछ की फाइंडिंग्स थी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा इंडेक्स है वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI का इंडेक्स है, क्योंकि ये इसलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और COVID-19 के परस्पेक्टिव में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड आस्पेक्ट होगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो या इंडेक्सेस का हो या पॉलिटी का हो, जो भी हमारा इंडेक्स या जो भी हमारी न्यूज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा COVID-19 की वजह से करंट में मुद्दा रहेगी। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा पर कब्जा करना। मतलब ये है कि देश भर में पूरे कंट्री में वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या हालत है या उसका कितना एक्सपेंशन है। इसके संकेतक क्या है? इसमें 3 व्यापक पैरामीटर शामिल हैं। कौन कौन से? पहला है पहुंच, एक्सेस, इसको कितना भारांक दिया जाता है? 35% का इसको वेटेज है। दूसरा है उपयोग, यूजेज को कितना वेटेज दिया जाता है? 45% का वेटेज। तीसरा है गुणवत्ता, क्वालिटी को केवल 20% का वेटेज दिया जाता है। ये टोटल कितना बनाते हैं आपका? 100%। इस 100% वेटेज को 3 पैरामीटर्स में बांटा जाता है और वो 3 पैरामीटर्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा उपयोग को वेटेज मिलता है, यानी कि ये वेटेज भी आपसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूजेज सबसे ज़्यादा 45%, एक्सेस 35% और क्वालिटी सबसे कम 20%। तो इस तरह से ये इसकी पैरामीटर्स हैं। प्रत्येक पैरामीटर में विभिन्न आयाम शामिल होंगे जिनकी गणना 97 संकेतकों के आधार पर की जाती है। यानी कि इन 3 पैरामीटर्स में टोटल कितने इंडिकेटर्स होंगे? 97 इंडिकेटर्स होते हैं। अब इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये सूचकांक की अनूठी विशेषता वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता से संबंधित पैरामीटर है। इसमें ये क्या करता है, देखिए, वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, यानी कि अगर आप गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, आप कितना फाइनेंशियली अवेयर हैं, टेक्नोलॉजी से कितना अवेयर है, तो वित्तीय साक्षरता आपको होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण, अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं या अदर कोई पेमेंट
पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई पैसा गलत तरीके से कट जाता है, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण कितना मिल रहा है, या सर्विसेज कैसी मिल रही हैं इससे संबंधित, कंजर्वेशन से संबंधित या प्रोटेक्शन से संबंधित, या इसमें असमानताएं और कमियों से संबंधित, ये सारी जानकारियां ये इंडेक्स प्रदान करता है। इसका स्कोर सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर 0 से 100 के बीच में रैंक प्रदान करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण, यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस राज्य की रैंक या जिस जगह की रैंक 0 के जितनी पास होगी, इसका मतलब यह है कि उसने पूरी तरह फुल फ्लैज तौर पर उसने वहां पर ऑनलाइन या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के वो लोग उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं, या उन्होंने पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर दिया है। और जहाँ पर 100 होगा, इसका मतलब वहाँ पूरी तरह फाइनेंशियली लिटरेसी फाइनेंशियली अवेयर है वो लोग, और सारा पेमेंट अपना ऑनलाइन मेथड से करते हैं। इसे कब प्रकाशित किया जाता है? ये सूचकांक है हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ये वार्षिक है, एनुअल है, और हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। RBI द्वारा जारी किया जाता है, 0 से 100 के स्कोर पर जारी किया जाता है, 3 पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है। आपका पहला है यूजेज, जिसको 45% वेटेज है, फिर है आपका एक्सेस, जिसको आपका 35% वेटेज है, और फिर है क्वालिटी, जिसको आपका 20% वेटेज है, 20% वेटेज। तो इन आधार पर इसको बांटा जाता है। इसका कोई आधार वर्ष नहीं है, यानी कि बिना किसी बेस ईयर के या बिना किसी रेफरेंस ईयर के इसको जारी किया जाता है। अगला हमारा पैरामीटर है, अगला इंडेक्स है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल सिटीज़, अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइम ग्लोबल सिटीज़। देखिए, हम क्या बात करते हैं ना कभी कभी दिल्ली में कि अरे उसका मकान या उसका वो जो होटल है वो बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, तो इससे हमारे क्या समझ में आता है? प्राइम लोकेशन का मतलब बहुत ही महंगी या बहुत ही अच्छी जगह पर। यह अब अगर सरल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बहुत एकदम पोर्श एरिया में, बहुत महंगे एरिया में वो लोकेशन है, वो जगह स्थित है। यानी कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक, एक आवासीय और संपत्ति सलाहकार फर्म, यानी कि एक हाउसिंग और एसेट्स या प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म जो है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह वैल्यूएशन आधारित इंडेक्स है, यानी कि यह प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करती है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करती है कि किस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, उसके आधार पर इस इंडेक्स को बनाया जाता है या उस जगह को रैंक किया जाता है। दुनिया भर के 45 से ज़्यादा शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। यानी कि एक तो ये है कि ये स्थानीय मुद्रा में 45 से ज़्यादा शहरों को वहाँ की स्थानीय मुद्रा में जो भी वहाँ की लोकल करेंसी होगी उसी के हिसाब से ये उस करेंसी के बदलाव को देखेगा कि कितना कीमत पहले थी और कितनी अब बढ़ गई है या घट गई है उस प्रॉपर्टी की कीमत, उस आधार पर ये रैंक प्रदान करता है। प्राइम आवासीय संपत्ति, जैसे कि हमने आपको बताया, किसी दिए गए स्थान में सबसे वांछनीय और सबसे महंगी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी भी प्राइम लोकेशन को या प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को। इसमें आमतौर पर प्रत्येक बाजार के शीर्ष 5% के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि प्राइम लोकेशंस ऐसी लोकेशन को कहा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं और वो पूरे एरिए का, यानी कि उस मान लीजिए दिल्ली की किसी प्राइम लोकेशंस की बात हो रही है, तो उसको प्राइम कैटेगरी में उसके 2 आधार हैं रखने के। पहला आधार तो ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी जगह हो, पूरी दिल्ली के अंदर वो एरिया सबसे ज़्यादा महंगा हो, पर स्क्वायर फीट उसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो। और दूसरी ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए, साथ ही ये कंडीशन और फुलफिल होना चाहिए कि दिल्ली की ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू का केवल 5% सिर्फ इस पोर्श एरिया का ही हो। यानी कि अगर मान लीजिए पूरी दिल्ली की प्रॉपर्टी 100 रुपये की है और यहाँ कोई पोर्श एरिया है साकेत, तो साकेत की खाली प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो तभी वो प्राइम आवासीय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में चिन्हित उसे किया जाएगा। अब इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या है? दिल्ली के प्रमुख आवासीय संपत्तियों की कीमतें इसमें बताई गई हैं कि 2021 में गिरावट आई है, जिससे 5 स्थानों की इसमें गिरावट आई है, 32 से 37 तक, यानी कि पहले 32 था अब ये 37 पर आ गया है। मुंबई और बेंगलुरु में भी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में गिरावट आई, 2021 की दूसरी तिमाही में 40वें से 43वें स्थान पर आ गए हैं मुंबई और बेंगलुरु, और ये पहले 2021 की पहली तिमाही में 36वें और 40वें स्थान पर थी। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। वैश्विक स्तर पर 35 शहरों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 2021 की दूसरी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में वृद्धि देखी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके लिए। अगला हमारा इंडेक्स है CSE पारदर्शिता सूचकांक, CSE ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ये क्या है? ये दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये दिल्ली के पर दिल्ली बेस्ड एक क्या है? नॉन प्रॉफिट, दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? पारदर्शिता सूचकांक यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बनाता है सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की रिपोर्टिंग रेटिंग रिपोर्ट, रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? CSE द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये देश भर में 29 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को और 6 प्रदूषण नियंत्रण समितियों के डेटा प्रकटीकरण प्रदर्शन का आकलन करता है। इसने क्या किया? पिछले 4 से 5 वर्षों में, यानी कि 2016 से 2021 के दौरान जितने भी पॉल्यूशन एस स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से या पी
PCC थी, जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज थी, उनकी जानकारी का मूल्यांकन किया है, असेसमेंट किया है और 25 संकेतकों का उपयोग किया है। तो ये संकेतक, उसको शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है, ये निष्कर्ष क्या है। इसमें लगभग 60% निकायों में अध्ययन किया गया कि सूचना जो 50% से कम स्कोर किया गया है। इसमें देखिए शीर्ष प्रदर्शन कर रहा, डायरेक्ट हम राज्यों को देख लेते हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओडिशा और तेलंगाना, इन्होंने 67% इसका स्कोर रहा है और ये पहले स्थान पर हैं दोनों, ओडिशा और तेलंगाना दोनों पहले स्थान पर हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 65% स्कोर के साथ, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर और गोवा 5वें स्थान पर इस सूचकांक पर रहा है। अगली न्यूज़ है हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक। देखिए जो SDG सूचकांक हम जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, वो हालांकि हमने अभी देखा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डोनियर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग से सूचकांक जारी किया जाता है। वो क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा विकसित, डोनियर मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन नीति आयोग के सहयोग से इसको बनाया गया है। सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी इनपुट के साथ विकसित किया गया है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था। इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्यों और उनके अनुरूप लक्ष्यों पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापने के लिए और उसी के आधार पर जिलों को रैंक करना। 8 राज्यों में कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। किसके आधार पर जारी किया जाता है सूचकांक, सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। राष्ट्रीय और राज्य संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर SDG पर प्रगति की निगरानी को निगरानी करता है। इस संकेतकों में 84 संकेतकों का इस सूचकांक में इस्तेमाल किया जाता है और 50 लक्ष्यों में से 15 का सतत विकास लक्ष्यों को कवर करते हैं। देखिए जो ओवरऑल था SDG इंडेक्स, जो ओवरऑल इंडिया के लिए था, वो कितने लक्ष्यों को टारगेट करता है, SDG इंडेक्स के 16 टारगेट्स को टारगेट करता है, लेकिन इसको इसमें 15 टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो SDG इंडेक्स है वो टोटल कितने हैं, वो है 17। ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। आगे है रैंकिंग, इसमें पूर्वी सिक्किम जिला सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरी जिले हैं। ये गोमती, आप गोमती नगर या लखनऊ वगैरह मत समझ लेना, ये गोमती वहीं पर ही कोई स्थान है पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में। रैंकिंग के लिए 103 जिलों में से 64 जिलों में फ्रंट रनर श्रेणी यानी कि अग्रणी श्रेणी में 103 जिलों में से 64 जो थे फ्रंट रनर श्रेणी में थे, फ्रंट रनर कैटेगरी में थे यानी कि अग्रणी श्रेणी में, जबकि 39 जिलों के समग्र स्कोर और रैंकिंग में परफॉर्मर श्रेणी में थे, यानी कि बाकी 39 जिले जो थे वो परफॉर्मर की कैटेगरी में थे। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में, ये भी आपको बताना चाहिए कि सिक्किम और त्रिपुरा दो ऐसे स्टेट हैं जिसके सारे ही जिले कौन सी कैटेगरी में फ्रंट रनर, तो इसमें आपको पता होना चाहिए पहली कैटेगरी कौन सी है एस्पायरेंट की, दूसरी कौन सी है, एक पहली कैटेगरी तो आपको पता होना चाहिए, पहली है, पहली कैटेगरी है एस्पायरेंट, दूसरी है आपकी, तीसरी फ्रंट रनर है और चौथी अचीवर है और दूसरी क्या थी परफॉर्मर, दूसरी थी परफॉर्मर यानी कि प्रदर्शनकारी परफॉर्मर, फिर आपकी आती है फ्रंट रनर तीसरी कैटेगरी जो कि जिसमें स्कोर कितना है 65 से 99 तक यानी कि फ्रंट रनर, और फिर आता है अचीवर, और परफॉर्मर में कितनी है आपकी 50 से 64 परफॉर्मर में है और एस्पायरेंट में 0 से 49 तक, ये आपकी 4 कैटेगरीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी आकांक्षी या अचीवर श्रेणी में नहीं है, यानी कि पहली कैटेगरी में और आकांक्षी या अचीवर श्रेणी में यानी कि एस्पायरेंट में भी कोई नहीं है, 0 से 49 के स्कोर में भी कोई नहीं है और 100 स्कोर भी किसी का जिले का नहीं है। तो ये आज के लेक्चर में था, आज हमने अपना इंडाइसेस और रिपोर्ट से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 का। इससे बाहर का आपसे नहीं पूछा जाएगा IAS प्रीलिम्स में, तो आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक लेक्चर कंबाइंड भी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स इंडाइसिस और रिपोर्ट से रिलेटेड हम एक ही मर्ज वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स के जो हमारा 2021 का रह गया है उसको हम दो लेक्चर में आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद ओवरऑल जुलाई 2020 से लेकर या अगस्त 2021 तक का सारा ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर भी हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बाकी बचा हुआ साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इसके हमारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने EPFO के एग्जाम में कराए थे, लेकिन जिस माह के रह गए हैं यानी कि हमने जून तक के करा दिए थे करंट अफेयर्स साइंस टेक के भी और पॉलिटी के भी पिछले साल जुलाई से लेकर, लेकिन जो बचे हुए हैं जून के बाद जुलाई अगस्त के दो महीनों के, हम इन दोनों मंथ के करंट अफेयर्स कवर कराएंगे और आपको साथ ही साथ एक मर्ज वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।